और अभिनंदन करती हूँ वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्रालय से वित्त पोषित है। ये वेबिनार जो आज महाराणा प्रताप की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पे इस अवसर पे मनाया जा रहा है और इसका जो विषय है वो है महाराणा प्रताप ए फियरलेस राजपूत किंग रिमेम्बरेंस ऑफ ग्रेट वेरियर पर आयोजित किया जा रहा है। आज इस अवसर पे हम एक बहुत ही महान योद्धा जो मेवाड़ के मोर मुकुट है मणि है हम उनको याद करने हैं और आज इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए हमारे माननीय कुलपति ने हमको इस अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं मैडम की बहुत बहुत आभारी हूँ और मैडम के कुशल मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय पीठ के विभिन्न कार्यक्रम के साथ अन्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कार्यक्रम हो रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भारतीय शिक्षण मंडल के साथ ऐसे कई विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं मैडम का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम के जो को चेयरपर्सन है ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ सर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीज वक्ता प्रोफेसर रविंद्र शर्मा प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री महाराणा प्रताप कुरुक्षेत्र, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर में मेजर ए.के. चतुर्वेदी सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मोहन श्रीमाली डायरेक्टर महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दीघाटी, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रताप सिंह झाला सर जो प्रताप शोध संस्थान भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी राजस्थान से है, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर ललित नारायण सिंह साधु सर, मैं आपका जो आईएएस हैं और भरोड गुजरात से हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर का जो आज इस प्रस्तावना वक्तव्य स्वागत उद्बोधन देंगे। और आप सभी ने इतने अल्प समय में हमारा जो निवेदन है स्वीकारा, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस पीठ के अंतर्गत जो हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं जो ब्राउज से हैं, प्रोफेसर डीके वर्मा सर डीन एंड डायरेक्टर ब्राउज, प्रोफेसर देबासिस देवनाथ सर चेयर प्रोफेसर, डॉक्टर मनीषा सक्सेना मैडम डीन, श्री प्रोफेसर जी एन माथुर सर फॉर्मल हेड हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जे एन बी उदयपुर, श्री कृष्ण जुगनू सर एमिनेंट हिस्ट्री एंड फेलो इंडोलॉजी, प्रोफेसर चंद्रशेखर सर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर एवीएसएम पीवीएसएम, और प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर मैम डायरेक्टर महाराणा प्रताप शोधपीठ महान मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर नवरत्न और डॉक्टर मिस्टर विल्सन सर, इसके साथ उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस प्रोग्राम क्योंकि ये लाइव है फेसबुक और यूट्यूब पे और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो फेसबुक और फेसबुक लाइव से देख रहे हैं और इससे जुड़े जितने भी रिसोर्स स्कॉलर्स हैं स्टूडेंट्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं और अलग अलग संस्थाओं से जो जुड़े श्रोतागण हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महाराणा प्रताप जो कि ये पीठ है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कई सारे पीठ ऑलरेडी स्थापित है जैसे कि बाबू डॉक्टर अंबेडकर पीठ, बाबू जगजीवन पीठ, डॉक्टर श्री कबीर पीठ, गांधी पीठ, सावित्रीबाई पीठ, लॉर्ड बुद्धा पीठ, अमृत्य सेन पीठ, महात्मा ज्योतिबाई फुले पीठ, संत रविदास पीठ और इसके साथ एक टांटिया भील पीठ भी है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ऑनररी चेयर्स भी स्थापित है जैसे कि बहुत सारी अभी चेयर्स स्थापित हुई है पीस में, हारमोनी में, इकोलॉजी में, एनवायरमेंट डेवलपमेंट, जस्टिस, मध्यस्थ, दर्शन, बुद्धिस्ट, और अभी हाल में सीडीएस जनरल बिपिन रावत रिसर्च चेयर्स भी एक यूनिवर्सिटी के साथ को जोड़ा गया है। तो मैं इसके साथ हमारे प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
आप सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है थोड़ी सी सर, थोड़ी सी मतलब उसको थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा वॉइस को। सबसे पहले तो आज वीर पुत्र और राष्ट्र वैभव से संपन्न राष्ट्र रत्न आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है सर। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस लो आ रही है। हाँ अब आ रही है। हेलो, हेलो जी जी, आ सर, रही है, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले आज के पुण्य स्मृति में जिस वीर रत्न की स्मृति दिवस पर जो आयोजन किया जा रहा है, ऐसे भारत के परम वैभवशाली व्यक्तित्व महाराणा प्रताप को मैं का नमन करता हूं। और महाराणा प्रताप को आज स्मृति दिवस के अवसर पर सभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू और मध्य प्रदेश सरकार की टूरिज्म और कल्चर, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय तथा महाराणा प्रताप की अनेक केंद्रों से जितने भी अतिथि हमारे इस वेब गोष्ठी से जुड़े हुए हैं, वेबिनार से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर आज का जो यह कार्यक्रम है वह उसी बहाने, कार्यक्रम की इस श्रृंखला के बहाने हम महाराणा प्रताप के कृत व्यक्तित्व को, उनके स्मृति के संसार को, उनकी वैभवशाली गौरव गाथा को लोक तथा विश्वविद्यालय और अनेक शिक्षण संस्थानों के बीच संप्रेषित करने का कार्य आज के अतिथिगण करेंगे। निश्चित तौर पर हम सभी लोग परम गौरवशाली हैं कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, जो भारत का एकमात्र सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है, और वह भी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के जन्म स्थली पर स्थित है, केंद्रित है, और इस विश्वविद्यालय की गौरव गाथा को निरंतर इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं इस विश्वविद्यालय की कुलपति, यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, जिन जो समय समय पर न केवल महाराणा प्रताप बल्कि भारत के गौरवशाली अध्याय लिखने वाले उन तमाम मनीषियों, विभूतियों और बलिदानियों के बारे में समय समय पर श्रृंखला के माध्यम से तथा एकल व्याख्यान के माध्यम से उनके विचारों को, उनके दर्शन को, उनके व्यक्तित्व को लोक में तथा विश्वविद्यालय के शोधार्थियों, विद्यार्थियों के बीच संप्रेषित करने का जो काम कर रही हैं, इसी काम के बूते आज डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू इंदौर न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ढंग से रचने, बसने और करने के लिए जाना जा रहा है। और कहा गया है जो रचेगा वही बचेगा। तो जो इस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं उनको एक बार मैं प्रणाम करता हूं, और निश्चित तौर पर आज के इस वेबिनार का जो की जो सार्थकता होगी वह हम सबके लिए उपयोगी होगी। इसी के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर जी जो कुलपति हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित तौर पर वे एक ऐसे
वीर पुत्र के नाम से विश्वविद्यालय केंद्रित है, जहां वे जहां की वे कुलपति हैं। निश्चित तौर पर आज उनके विचारों से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर रविंद्र के शर्मा जी, जो आज के की नोट स्पीकर हैं, निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप के विचारों और महाराणा प्रताप चेयर पर आप कुलश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी हरियाणा में पदस्थ हैं। निश्चित तौर पर उनके बहुविध व्यक्तित्व के बारे में रेखांकित करने का काम करेंगे। और सेना के मेजर जनरल एके चतुर्वेदी जी को मैं एक बार प्रणाम करता हूं और उनका हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि एके चतुर्वेदी जी सेना में जो उन्होंने वीर गाथा लिखी है वो तो लिखाई है, लेकिन एक प्रखर वक्ता के रूप में न केवल किसी प्रदेश के सीमाओं में है, बल्कि पूरा देश उन्हें जानता है कि प्रखर वक्ता के रूप में स्थापित है। उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत के श्रृंखला में ललित नारायण सिंह जी, संधू जी जो आईएएस हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोहन लाल श्रीमाली जी, जो डायरेक्टर महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दी घाटी हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। प्रताप सिंह झाला जी, जो प्रताप शोध प्रतिष्ठान भोपाल में पदस्थ हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत की श्रृंखला में मैं उन सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों, आचार्य उपाचार्य सहायक आचार्य तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विज्ञान विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सभी आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए, मैं ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी वक्ताओं को आज सुनना चाहते हैं। और इसी क्रम में एक बार कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर बिदिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आज का यह जो आयोजन है, जिन लक्ष्यों के लिए आयोजित किया है गया है, वो अपने मुकाम को हासिल करेगा। एक बार पुनः मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर जी को, उनका भी हृदय से स्वागत प्रणाम करते हुए मैं आगे के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर बिंदिया जी से अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के बीच वक्ता प्रोफेसर रविंद्र के शर्मा सर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री महाराणा प्रताप चेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा को आमंत्रित करती हूं और उनका एक ब्रीफ परिचय मैं देना चाहूंगी। ही इज द फाउंडर ऑफ सीडीएल सीडसा यूनिवर्सिटी हरियाणा एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री महाराणा प्रताप चेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा। He is internationally known for various research on military history and he was nominated by the Government of India and visited various foreign countries. He is also a member of Indian Historical Commission's PNT Commission's Committee Government of India. He was also the former president of Punjab History Conference and he has been the former president of Rajasthan History Congress, Haryana History Congress, and he has been being the visiting professor of various university. He has also the membership of Education Board, ARPIT, HRD Ministry, and he is also the member of NRC Peer Research Reform Committee. So I welcome you, sir, for your speech. Thank you. Madam, meri awaaz aa rahi hai aap? Ji sir, bilkul aa rahi hai. तो अगर कुलपति महोदय की अनुमति हो तो मैं आरंभ करूं, अपना वक्तव्य दूं। मैडम यही है, कहीं होंगे, उन्होंने आमन दे रखी है। जी मैडम,
तो बिंदे जी मैं आरंभ शुरू कर रहा हूँ बोलना। जी सर शुरू करिए। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन रही हूँ आपको ध्यान से। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञ। ऐसे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल साइंस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, मैं उनको नमन करते हुए, उनके प्रत्येक क्षण के ऊपर निगाह रखते हुए मैं खुद भी कॉन्शियस हो गया हूँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपकी अनुमति से अपना व्यक्त शुरू करने की आपकी अनुमति चाहता हूँ। परमादरणीय मैडम प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी, जो कुलपति हैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के, एडवाइजरी कमेटी में जनरल दुष्यंत सिंह, आज के समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर जनरल सुप्रसिद्ध सैनिक अफसर इतिहासकार रचनाकार साहित्यकार जनरल ए के चतुर्वेदी साहब, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री ललित जी संधु साहब, महाराणा प्रताप शोध संस्थान हल्दीघाटी के आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मोहनलाल जी श्रीमाली साहब, प्रताप शोध संस्थान भोपाल यूनिवर्सिटी उदयपुर के परम आदरणीय डॉक्टर प्रताप सिंह जी झाला साहब, विश्वविद्यालय की जगजीवन राम चेयर के प्रोफेसर एस एम त्रिपाठी साहब, अंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री अजय वर्मा साहब, कुलपति महोदया के निजी सचिव विल्सन साहब, बोथरा साहब, दिग्विजय मैडम, नोडल ऑफिसर डॉक्टर बिंदिया जी, देवाशीष देवनाथ जी, मनीष सक्सेना जी, सम्मानित प्रेस और अखबार के नुमाइंदे, और सबसे ऊपर जो है विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण जो इस विद्यालयों को बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं, मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आपने 425वीं जयंती के अवसर पर मुझे मेरा दायित्व निभाने के लिए, जो मैं पिछले कई वर्षों से माणा प्रताप के कार्य करता रहा हूँ, उसमें अपने विचार आपके सामने अर्पित करने की आपकी अनुमति चाहता हूँ। माणा प्रताप नाम ही काफी है। यदि हम विश्व के इतिहास को देखें और भारत के इतिहास को देखें तो कुछ बिरले ही ऐसे सेनानायक हैं, कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं कमी हैं जो हमें विश्व पटल के ऊपर इतने बड़ी सैनिक पर्सनैलिटी के रूप में मिलती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है जो आपने नाम दिया है। मैडम मैंने आज तक हमेशा ही प्रयास किया है कि मैं जब भी माणा प्रताप पे बोलूं मुझे वो विषय दिया जाए, मैं उसके बारे में बात कर सकूं और मैं उसके बारे में अपना निवेदन कर सकूं। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पहली बार एक ऐसा टॉपिक रखा, ए फियरलेस जनरल ए फियरलेस वॉरियर। मैं जब भी माणा प्रताप पे लिखता रहा हूं, हमेशा भारत की सेना पर मैंने लिखा है। मैंने अपना पूरा जीवन काल भारतीय सेना के प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, अर्वाचीन काल, वर्तमान में आज तक प्रत्येक पहलू के ऊपर लिखने का प्रयास किया है, जिसमें हमेशा मेरा फोकस रहा है माणा प्रताप जी के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, महाराजा सूरमल जी के ऊपर, महाराजा रणजीत सिंह जी के ऊपर और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ऊपर। उसी के कड़ी में मैं माणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ कड़ियों में से एक मानता हूँ। मैं ये सबसे पहला निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा फियरलेस वॉरियर, फियरलेस वॉरियर होने के लिए, वॉरियर कैन एनीबॉडी, हमारा जो भी एनिमी होगा वो वॉरियर तो होगा ही, पर फियरलेस वॉरियर और वो भी माणा प्रताप, निश्चय ही उसके बहुत बड़े कारण रहे होंगे। मैडम मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो फियरलेस वॉरियर इसलिए थे, तब उनकी हल्दीघाटी की बात करते हैं, खमनोर के युद्ध की बात करते हैं, रक्तराय की बात करते हैं, त्रिबेर के युद्ध की बात करते हैं, मैं भी जिंदगी भर ये बात करता रहा हूं, पर आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो फियरलेस वॉरियर जो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की कुलपति महोदया ने मुझे टॉपिक दिया है, मैं उसके साथ न्याय कर पाऊं और ये बता पाऊं कि वास्तव में अनडाउटेडली माणा प्रताप वाज ए इनविंसिबल जनरल, ही वाज ए मैथलेस, ही वाज अनचेज, उसे कभी भी छकाया नहीं जा सका, हराया नहीं जा सका, वो अजय रहे, वो सशक्त रहे, वो साहस रहे, उनके प्रतीक रहे। इसमें सबसे बड़ी चीज मैडम जो काम करती है वो है मोरल। हमारे साथ कई बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी अनुमति चाहता हूँ, कोई भी सेना बगैर मोरल के नहीं लड़ सकती, और उस युग में जबकि अकबर के नाम से ही लोग घुटने टेक दिया करते थे,
तो एक बात तो थी उस मेवाड़ के वीर पुत्र के अंदर, जिसकी चेयर का नाम ही आपने महाराणा प्रताप, वीर पुत्र महाराणा प्रताप चेयर रखा हुआ है। मैडम मैं आपका आभारी हूँ, आपका कर्तव्य हूँ। मैंने हिंदुस्तान के अंदर जगह में कोई ऐसा शहर नहीं देखा जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं हो, परंतु आपका विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिन्होंने उनके नाम को सार्थक करते हुए एक चेयर स्थापित की और निरंतर उस पर कार्य कर रहा है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, मोरल एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को बड़े से बड़े दुश्मन को भी धराशायी करने में सक्षम कर देती है। महाराणा प्रताप इसमें महत्वपूर्ण थे। पर मैडम ये क्यों आती है? सदगुरु जो आज के एक संत है उन्होंने कहा है, ये आती है परिवार से, ये आती है समाज से, ये आती है जाति से, ये आती है ट्रेनिंग से, ये आती है आदर्शों से, ये आती है करेक्टर से, ये आती है सनातन धर्म से। गीता में भी भगवान ने कहा वीर भोग्या वसुंधरा, वो कहते हैं युद्ध क्षेत्र में मरना स्वर्ग के जाने के बराबर है। और यदि हम मेवाड़ के उसको देखें, यह तो धर्म तो विजय है, वहां पर ही विजय है जहां पर धर्म है, जहां पर सच्चाई है, जहां पर सत्यता है। और महाराणा प्रताप मेवाड़ अंत चरण था इस मामले के अंदर। बापा रावल से लेके, खुमान से लेके, क्षेत्र सिंह से लेके, आप जो भी देखें, मोकल को ले लें, महाराणा उदय सिंह जी को ले लें, महाराणा प्रताप को ले लें, इनके बाद अमर सिंह जी को ले लें, करण सिंह जी को ले लें, राज सिंह जी को ले लें, औरंगजेब कहां जाता था राज सिंह जी के नाम थे। मैडम मैं अपने को कन्फाइन रखना चाहूंगा महाराणा प्रताप के ऊपर, जो गीता में लिखा है फियरलेस वही हो सकता है जो सत्य के रास्ते पर चले। सत्य के चलने वाले, रास्ते पर चलने वाले को आप कुछ समय के लिए रोक सकते हो, पराजित नहीं कर सकते, वो हमेशा विजीते रहेगा। महाराणा प्रताप जो थे वो इसके साक्षात प्रतीक थे। मैडम मैं जनरल चतुर्वेदी हमारे मध्य में है, उनके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक सोल्जर ये मानकर चलता है वो फियरलेस तभी होता है जब उसे पता होता है आई एम हेडिंग मूविंग टुवर्ड्स डेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस। और यही उसको फियरलेस होने की ताकत प्रदान करती है। महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी के युद्ध में जाते हैं, महाराणा प्रताप खमनोर के युद्ध में जाते हैं, तख्तराई के युद्ध में जाते हैं, जब मुगल स्थानों में वो पराजित करते हैं जाके, तब हमें उनका ये रूप देखने में साफ नजर आता है कि वो अपने उसी फैमिली ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे थे जिसके बारे में लिखा है, ढोल दमादम बाजिया कस्टन जाग कसीजन जागिया बाण। आई रिट्रेट मैडम, ढोल दमादम बाजिया कसीजन जागिया बाण, सूरा तो घोड़ा चढ़े कायर तजे पराण। मैडम वो उस खानदान से बिलोंग करते थे जहां पापा रावल से देखे और आज तक अश्व की पूजा होती है। आज के प्रेजेंट महाराणा है महाराणा अरुण सिंह जी, उनका बीबीसी के ऊपर घोड़ों की पूजा करते हुए दिखाया है। ऐसे घोड़े के ध्वजवाहक चेतक के प्रतीक मैंने आज तक महाराणा प्रताप की कोई मूर्ति नहीं देखी जिसमें साक्षात चेतक पे उनको माउंट करते हुए नहीं दिखाया हो। और वो चिन्ह, वो स्मृति, वो इतिहास के प्रत्येक पुस्तकों में जो आज मैं आपसे निवेदन करने वाला हूँ, जब उन्होंने मुगल सेना के कमांडर इन चीफ के ऊपर हाथी के ऊपर साफ रखे चेतक की और उसने छुप कर अपने को बचाया, अगर वो नहीं छुपता औहदे के अंदर, जो मैंने अपने जर्मनी के लेख के अंदर प्रकाशित की थी जिसका मैं पिछले लेक्चर में निवेदन कर चुका हूँ, तो मैं उसको स्किप करना चाहूंगा, शायद वो महाराणा प्रताप के बारे से नहीं बचता। मैडम मैं ये बताना चाहूंगा कि हमेशा जो विरासत में हमें परंपराएं प्राप्त होती है वो हमें फियरलेस बनाती है, हमारा चरित्र जो है वो हमें फियरलेस बनाता है। लुक एट महाराणा प्रताप, वो मुगल के जो कमांडर था अब्दुल रहीम खान खाना, उसके परिवार की महिलाओं को साक्षात माफ कर देता है, वापस कर देता है। एंड लुक एट दिस फॉरेन इन्वेडर, जो हमारे यहाँ से दुख्तरे इंडिया दो दीनारे वहां ले जाकर बेचते थे, गुलाम बना के ले जाते थे, कितना अंतर था। उस महाराणा प्रताप को फियरलेस नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? मैं मैडम ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कोई भी जनरल चतुर्वेदी साहब देर में आऊ, कभी भी कमांडर जो होता है भारतीय सेना का कप्तान होता है, जो सेना नायक होता है, उसे पता है मेरा जीवन मेरे राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ मेरे सैनिकों की रक्षा भी मुझे सिखाता है। महाराणा प्रताप को हम देखते हैं, उनके द्वारा दी गई पेन, उनके द्वारा दिए गए ताम्र पत्र, उनके द्वारा दी गई जमीन है। ऐसा जनरल फेयरलेस नहीं होगा तो कौन होगा? मैडम मैं ये आपके निवेदन से कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप ने प्रारंभ से ही हम देखते हैं उन्होंने कोई भी ऐसा क्षण नहीं जाने दिया जब उन्हें राष्ट्रहित में कोई बलिदान नहीं किया हो, और उत्तरोत्तर वो फेयरलेस होते चले गए। जैसा शिवाजी में था, उन्होंने अपनी माँ के कहने से
अपने सारे तत्र के लिए वापस लौटा दिए थे और शाहजी को आजाद करा लिया था। ठीक उसी प्रकार जगमाल ने जब कॉन्स्पिरेसी करके सत्ता लेनी चाहिए तो पिता के आदेश को मानते हुए महाराणा प्रताप चुपचाप चले गए और उन्होंने उस आयरनी से मेवाड़ को बचा लिया जिस आयरनी से बूंदी, जयपुर, जोधपुर और बाद में भी हम देखते हैं मेवाड़ में भी थोड़ा सा ऐसा एक दो बार हुआ है बाद में महाराणा प्रताप के बाद। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैडम मैं ये मानकर चलता हूँ यदि महाराणा प्रताप जगमाल के कोरोनेशन के वक्त चुपचाप नहीं चले जाते, मैन ऑफ द मासेस महाराणा प्रताप वास्तव में जनप्रिय जा सकते, जनता ने वापस बुला लिया उनको। ऐसा आदमी फेयरलेस नहीं होता तो कौन होता। मैडम प्रताप कीपिंग इन व्यू द शेरशाह अर्लियर इन्वेजन ऑन मेवाड़, महाराणा प्रताप कीपिंग इन व्यू द अर्लियर इन्वेजन ऑफ बाबर ऑन महाराणा सांगा, वो ही जानते थे यदि मैं मेवाड़ को एकजुट नहीं रखूंगा, यदि मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता और इन विदेशी आक्रांताओं को हराना चाहता हूं तो मुझे जनता की रक्षा करनी है और उनके लिए मैं बड़ा से बड़ा बलिदान कर सकता हूं। मैडम गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे मैडम, जिन्होंने भी जनता के लिए बलिदान किया उनके नाम का एक निशान साहब आप गाड़ दो तो हटा नहीं सकते हो। मेवाड़ के महाराणा का जो झंडा है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जो स्टैचू है, उसको देखने से ही आदमी के अंदर मरे हुए में प्राण आ जाते हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ ही विंस फर्स्ट स्टेज, और जब उन्होंने सत्ता प्राप्त की उन्होंने एक चीज का ध्यान रखा, अकबर ने कितना कत्याम कराया था मैडम, वो अपने फतेहनामा में लिखता है कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई नहीं शर्त उन्होंने जिंदा छोड़ा था। ऐसे समय के अंदर मेवाड़ के महाराणा वीरपुत्र ने सबसे पहले राठौड़ों को, झालाओं को, देवड़ाओं को, बनियों को जयमल से लेके और उन्होंने जो झाला से चौहानों को, श्रीमालियों को, हमारे बीच में इनके पूर्वजों को यह बल्ली घाटी का जो इलाका मिला है श्रीमाली जी को इसलिए मिला है कि इन्होंने, इनके पूर्वजों ने वहां पर अपना आत्म बलिदान देकर ये अर्ज किया था, ये किसी ने भी किया, खैरात नहीं दिए, जिस प्रताप सो संतान के ये मालिक है। यदि देवड़ाओं ने सिरोही के, अभी मैं महाराज कुमार और महाराजा सिरोही रघुवीर सिंह जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा सुल्तान देवड़ा ने शेरगढ़ के अंदर, अचलगढ़ के अंदर कई समय तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित रखा। मैं ये मानकर चलता हूँ उस विलक्षण प्रतिभा के धनी महाराणा प्रताप को ये पता था कि ये राठौड़, ये चौहान, ये झाला और ये जो अन्य जाति के लोग हैं जिनमें भील, दुहार, मालविया, रेवारी, बनिए, व्यापारी, ब्राह्मण, दक्षिण के लोग, चंदेरी से आए हुए मेजी राय, हसन खान मेवात, माफी चाहता हूँ, हाकिम खान सूर और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश से आए हुए ग्वालियर के राजा रामचंद्र तंवर और उनके पुत्र जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में शहादत पाई। मैडम वो आदमी, मेरा आपसे निवेदन है, अगर दुस्साहसी नहीं होगा, अगर वो आदमी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेना नायक नहीं होगा, यदि वो आदमी निर्भय नहीं होगा, फियरलेस नहीं होगा तो कौन होगा। मैडम मेरा आपसे निवेदन है फियरलेस वही हो सकता है यदि हम उसको देखें, उसकी ट्रेनिंग को देखें, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई हो, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, उन्होंने देखे जिस प्रकार वो मानसिंह के हाथी के ऊपर अटैक करते हैं, मैडम उनके चेतक के पीछे अरकोन लगा हुआ है, जिस प्रकार मोटरसाइकिल के पीछे होता है, यदि आप मोटरसाइकिल ऊंचा उठाएंगे आदमी गिरेगा नहीं, और प्रताप ने ये प्रूव्ड इट, और बाद में जैसा उन्होंने दिखाया। मैडम ये बताना चाहूंगा हमारे देश के अंदर बड़ी पुरानी परंपरा है, महाराणा प्रताप पे मेरा निवेदन है, हमने आज तक आपके चेयर के अंदर ये काम होना चाहिए, मैंने पिछले अपने लेक्चर में भी ये निवेदन किया था, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट मिलिट्री थिंकर ऑफ द वर्ल्ड, हम क्यों नहीं महाराणा प्रताप को भारतीय सेना में पढ़ाते, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे देश की परंपरा है। होयसल जो शासक थे, जो सातवाहन थे, उन्होंने घोड़ों का व्यापार करके घोड़े को लाकर बाद में वो शासक बन गए थे, चाहे वो होयसल हो, आप हाड़ी बूढ़ों में जाकर, आप बेंगलोर के पास जाकर उनके चित्र देख सकते हैं जिनमें घोड़ों की टापों को ऐसे दिखाकर हाड़ी बीड़ू के मंदिर में दिखाया गया है, मेरे पास फोटो है, आपके सौजन्य से मैं जो पुस्तक लिख रहा हूँ उसके अंदर इनके छाया चित्र मैं दे रहा हूँ। महाराणा प्रताप ने मिलिट्री थिंकिंग से देखा, जब हम हल्दीघाटी की पेंटिंग देखते हैं, उनके बहुत सारे चित्रों को देखते हैं, इन्होंने श्रीमाली जी ने अपने म्यूजियम के अंदर ऐसे बहुत सारे वो दिए, तो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने हमेशा देखा। ही वाज मेटलेस इन कैवलरी चार्जेज, सेना
पेट के बल चलती है, इन्फेंट्री एलिफेंट्री कैवलरी उस जमाने की थी। महाराणा प्रताप ये जानते थे कि मेरे पास गन्स नहीं है। बाबर की जीत का एक कारण तोपे थी। महाराणा प्रताप खनवा चले गए थे, उन्होंने बॉटल नेक के अंदर आने की अनुमति दी और ये कहा कि ये आए तब मैं इनको छुट्टूंगा। मैडम हम अक्सर उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने हद्दी घाटी से प्रयाण किया। क्या गौरी ने नहीं किया था? क्या बाबर ने नहीं किया था? क्या बाकी इन्होंने नहीं किया था? क्या अकबर ने नहीं किया था? हमेशा लेनिन कहता था हम दो कदम पीछे हटते हैं, हमें तीन कदम आगे बढ़ना है। हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने आगे बढ़कर हमेशा दुश्मन को पराजित किया है। और महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के बाद दिवेर जीतकर ये बता दिया, जिसमें दुनिया में 1971 की लड़ाई से पहले 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। यहाँ मैं जरा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा झालाओं की ओर। हमारे मध्य में प्रताप सिंह जी झाला मौजूद है। मैं ये मानकर चलता हूँ चौहान फॉर आलवेज मैटर, उनका कोई मुकाबला नहीं है लड़ाई के अंदर, खास करके झालाओं का। और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की झाला ने जान बचाई, मेरे ख्याल से आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा होगा। मुझे हमारे जो एसपीजी कमांडो थे उनकी याद आती है, मुझे भारतीय सशस्त्र सेनाओं की याद आती है, मुझे शैतान सिंह की याद आती है, ब्रिगेडियर रोशाब सिंह की याद आती है, मुझे उस हर सैनिक की याद आती है जिसके कारण से आज भारत मां सुरक्षित है। मैडम मैं आपके संदर्भ से कहना चाहूंगा कि क्या रामचा तमर हो, क्या झाला हो, क्या राठौड़ हो, जमल हो, कोई भी हो, क्या भामाशाह हो, क्या पुंजा भील हो, क्या मतलब बिहारी हो, क्या दक्कनी हो, किस कौन ऐसा नहीं था जो महाराणा प्रताप के साथ नहीं हो। और मैडम जो हमेशा आदमी कहते हैं आई एम नॉट अलोन, उसकी बात पे ही पता लगता है कि ही इज फियरलेस। मैम यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, भारतीय सेना विश्व की एकमात्र अस्त्र शक्ति सेना रखती है। आज भी कैवलरी रेजिमेंट यदि विश्व में कहीं है तो भारत में, जिसका स्लोगन है अस्त्र शक्ति यशोबल। हमारे परंपरा में हमारी संस्कृति में जब से उच्च सेवा निकला भगवान कृष्ण जो थे उनके जमाने से लेके, हम ये देखें शिवाजी की घोड़ा जो थी कृष्णा, 70 साल बुंदेल जो थे आपके मध्य प्रदेश के, उनका घोड़ा भले भाई, रंजीत सिंह उनकी घोड़ी नीली, मैंने जनरल मैथ्यू जो आज की तारीख में कश्मीर के अंदर हमारी सेना को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनको 2000 के अंदर तूफान घोड़े के ऊपर ओटीए के अंदर परेड को करते हुए देखा था। मैंने अर्जुन जो बाकायदा मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, देश की रक्षा के कारण से जिसके सारे एएससी के रेजिमेंट के अंदर घोड़े हैं। मैम हमारे देश की परंपरा है उच्च सेवा से लेकर शिवाजी की कृष्णा, 70 साल बुंदेले के बड़े भाई, रंजीत सिंह की लीली, जनरल मैथ्यू का तूफान और आज राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड अंगरक्षक जिनके टापों की आवाज से दुश्मनों के कलेजे दहल जाते हैं। जनरल जोशी की मुझे एक बात याद आती है, स्वर्गीय जनरल जोशी कहा करते थे, कहते हैं विश्व की एकमात्र रेजिमेंट है आज की तारीख में कैवलरी की जो भारत के अंदर है। ये प्रतीक है चेतक का, ये प्रतीक है महाराणा प्रताप का जो आज भी राष्ट्रपति की रक्षा कर रहा है। जिस प्रकार मेवाड़ की कैवलरी ने, मेवाड़ के झालाओं ने, मेवाड़ के राठौड़ों ने, मेवाड़ के भामाशाहों ने, मेवाड़ के वीरों ने और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने महाराणा प्रताप की स्मृति को अपने में बनाए रखा। मैं सिर्फ संकेत मात्र करना चाहूंगा, यदि झांसी की रानी का घोड़ा नहीं अड़ता, नया घोड़ा था तो शायद देश का इतिहास दूसरा होता। पृथ्वीराज चौहान हाथी से उतरकर घोड़े पे ना बैठते, इस देश का इतिहास शायद दूसरा होता। मैडम मैं आज ये बताना चाहूंगा, इस विश्व को देखें, आप सिकंदर की बात कीजिए, उसका जो घोड़ा था उसी प्लस दारा का घोड़ा जो था फिरोज, यदि आप उसको देखें, औरंगजेब का घोड़ा जो था बाद रफ्तार आवाज से भी तेज चलने वाला, क्या कोई भी महाराणा प्रताप के चेतक का मुकाबला कर सकता है? ऐसा तो फेयरलेस होना ही था। मैडम मैं आपके सामने एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में श्रीमाली साहब है, आज मैं एक नई बात बताना चाहूंगा। हमने सबने ये पढ़ा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि मेवाड़ का हर आदमी जो है वो न्यू नडाइस है, मेवाड़ का हर युद्ध क्षेत्र है वो थर्मा पिल्ली है। मैडम मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, कर्नल टॉड जो बहुत पढ़ा लिखा जनरल होता है वो छोटी सी बात का इशारा करता है, वो सिर्फ ये कहता है ऐसा इशारा होता है और हजारों सैनिक उसके रास्ते पे उसकी आंख के इशारों पर चल रहते। कर्नल टॉड ने बताया कि थर्मापिली और लियोनिडास ये वो थे जिन्होंने 300 को लेके जेरेक्सिस की पूरी सेना को इतने समय तक रोके रखा कि वो
यूनान को नहीं जीत सकी। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा जिस प्रकार के अंदर ने उनको हतप्रत कर दिया था उसी प्रकार महाराणा प्रताप की कैवलरी ने हल्दी घाटी के युद्ध में देवारी के नाके पे पुलाद में हामली घाट में चामली घाट में कुंभलगढ़ में हनीबाल से देकर बाजीराव तक ये जो परंपरा है इसको मेंटेन किया। मैडम मैं ये बताना चाहूंगा दर्रे की लड़ाई में हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। मालन दराई अफगानिस्तान में जो दर्रा है उसमें बीरबल की शहादत जो ग्वालियर से थे। मैं ये बताना चाहूंगा यदि चुसुल के अंदर कैतान सिंह नहीं जाते सेजा के अंदर ब्रिगेडियर हुशियार सिंह नहीं होते तो आज ये देश आज नहीं होता। जनरल सगत सिंह ने अगर नथुला नहीं बचाया होता जनरल जोरावर सिंह तिब्बत तक नहीं गए होते। हमने गोमल खैबर सूची माउंट आबू जब तक इनको बचा के रखा तब तक कोई भी विदेशी नहीं आ पाया वो सब पानीपत के रास्ते से आई। राजस्थान के लोगों को इस बात का श्रेय है कि बीबी नायला जो चालुक्य सोलंकी थी उसने नैरवाला के युद्ध में मोहम्मद गौरी और इनकी सेनाओं को बहुत बुरी तरह पराजित किया और वो फिर पलट कर कभी भी देवड़ाओं की हाड़ाओं की ढालाओं की भूमि की तरफ नहीं गए और पानीपत के रास्ते पे आए। मैडम ये बताना चाहूंगा चुंबी घाटी और डोकलाम रिपुलेक तक की यही कहानी है जहां महाराणा प्रताप के कारण से इस राष्ट्र को सुरक्षित रखा गया। मैडम मैं यहाँ ये भी निवेदन करना चाहूंगा चामंड के राठौड़ों ने प्रताप की सेकंड कैपिटल जो थी चामंड उसका बहुत बड़ा योगदान है। ये चामुंडा माता से बना है जो जोधपुर से आए थे। राव चंद्रसेन जो थे वो भी महाराणा प्रताप की तरह थे। राठौड़ जो थे वो मुगलों का विरोध कर रहे थे। मैं बार बार ये निवेदन करता रहा हूं कि चौहानों ने राठौड़ों ने गहलोतों ने इन्होंने कभी भी इन आक्रांताओं को यहाँ नहीं रहने दिया और अंत तो गतवा यहाँ से वो निकाल कर ही माने। ये चामुंडा पूरी इन्होंने आकर बताई जो बाद में चामंड कहलाई और बाद में चामुंडिया राठौड़ कहलाए जहाँ महाराणा प्रताप पन्नाय थे उनकी शादी हुई थी। मैं इसका एक बहुत बड़ा कारण था चामंड के अंदर लोहा मिलता है और लोहे की खाने हैं उन खानों से तलवार ढाल। मैडम हमारे देश का इतिहास रहा है हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। महाराणा प्रताप जो थे उनके अंदर हम पहली बार ये देखते हैं कि कभी भी सेना में ढालों की भालों की हथियारों की कवच फेरस्तारों की कभी भी कमी नहीं हुई। नाथरा की पाल लोहा मगरा वहां पर इतना लोहा था कि आज भी हल्दी घाटी के अंदर ढालें निकलती हैं। उनकी छापामारी प्रणाली के बारे में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा मैडम मैंने अपने इस आर्टिकल के अंदर चे गवेरा माओ त्से-तुंग हो ची मिन्ह इन सब के बारे में पढ़ा है पर मैडम उनके उन देश में भी उनको कोई नहीं जानता। मैंने अपने लेख के शुरू में ही कहा था कि महाराणा प्रताप वाज द मैन ऑफ द मासेस वो जनता के शासक थे आज भी वो जनप्रिय हैं हमेशा रहेंगे युग युगांतर तक और इसीलिए छापा प्रणाली में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका। दिवेर में जिस तरीके से जाकर इनविंसिबल महाराणा प्रताप ने मुगल सेनाओं को आत्मसमर्पण कराया वो मुझे 1971 की याद दिला देता है जब जनरल सगत सिंह के सामने जिस प्रकार अनायास ही जनरल सगत सिंह पहली बार वहां पर पहुंचे ढाका में और मुगल सेना को बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने अमर सिंह ने जिस प्रकार बहलोल को जो मुगल शासकों ने ये सोच के भेजा था इस तो अफजल से इतना लंबा चौड़ा है लोग देखते ही भाग जाएंगे उसको दो टुकड़ों में घोड़ों सहित काट दिया। उसके बाद कोई मुगल सेना मेवाड़ की तरफ मुंह उठाकर नहीं देख सकी। यदि आप औरंगजेब के जमाने की यदि आप शाहजहां के जमाने की यदि आप जहांगीर के जमाने के कागजातों को देखें तो आप पाएंगे जो महाराणा प्रताप चाहते थे वो ही हुआ। जो उन्होंने टर्म्स और कंडीशन रखी थी वही मुगलों को माननी पड़ी। ऐसे महाराणा प्रताप के बारे में मैडम मैं ये कहना चाहूंगा मेरा ये निवेदन रहेगा कि जिसकी ट्रेनिंग ऐसे हुई हो इलाना देनी आपनी हुलर रे हुलराए पूत सिखाए पालना मरण बढ़ाए माए। आड़ा दुर्सा जो थे उनका ये जो दो पंक्तियां मैंने बताई है कि बच्चा जब पैदा होता है और माँ उसको पालने में सुलाती है और उसको इस तरीके से धक्का देके और पालने में हिला के सुलाना शुरू करती है तो वो चौंकता है तब वो कहती है इलाना देनी आपनी। तू ये याद रखना कि किसी भी कीमत पर अपनी जन्मभूमि का वो नहीं होना चाहिए इससे तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। महाराणा प्रताप हमारे देश के उन वीर पुत्रों में से एक हैं जिनको मैं ये मानकर चलता हूँ
भारत के अंदर एक विश्वविद्यालय उनके नाम पे किया जाना चाहिए, उनको सैन्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए हर विश्वविद्यालय में सिलेबस के अंदर। मैम हमारे देश के अंदर इन वामपंथियों ने, इन कांग्रेसियों ने देश के इतिहास को कभी भी उजागर नहीं होने दिया। ये आयरनी है कि हमने उन तीनों आदमियों को ग्रेट बताया जो हमारे देश के ही नहीं है, चाहे वो सिकंदर दी ग्रेट हो, चाहे अकबर दी ग्रेट हो, चाहे कोई भी हो, और जो ग्रेट थे चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, चाहे महाराणा प्रताप थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका हमने कभी नाम भी नहीं रखा। मेरा आपके प्रति सबसे बड़ा कृतज्ञता ज्ञापन करने का यही सबसे बड़ा निवेदन है कि मैम आप हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय की उन कुलपति महोदया में से सर्वप्रथम में आती हो जिन्होंने वीर पुत्र महाराणा प्रताप, और आज का ये जो टॉपिक है वो मैं मैडम ये मानकर चलता हूँ कि आपने जो रखा है फियरलेस महाराणा प्रताप। मैम आप मानकर चले जब तक इस देश में महाराणा प्रताप जैसे फियरलेस नेता होते रहेंगे, जब तक फियरलेस जैसे चेतक माउंटेन महाराणा प्रताप होते रहेंगे, जब तक मेवाड़ी होते रहेंगे, उनके वंशज होते रहेंगे। आज हम जो देखते हैं यहाँ श्रीमाली जी हमारे बीच में बैठे हुए, दादा साहब बैठे हुए, चतुर्वी साहब बैठे हुए, मैडम मैं आपके माध्यम से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बोलना तो बहुत चाहता था पर मैं विद्यार्थी बनकर सुनकर समझकर ज्यादा खुश होना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, मुझे आपने मेरी बात कहने का अवसर प्रदान कीजिए। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रविंद्र शर्मा सर आपके उद्बोधन के लिए। इसी कार्यक्रम को आगे, इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर को आमंत्रित करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सर का एक ब्रीफ परिचय देना चाहती हूँ। जनरल आफ्टर हिज इनिशियल एजुकेशन एट लखनऊ जॉइन इंडियन आर्मी इन 1974। He did his BTech Mechanical Engineering from College of Military Engineering, Pune, MTech from IIT Chennai, Masters in Management from Osmania University, Hyderabad, and MPhil from Madras University. He has also done basic graduation at advanced courses from Shanghai and Italy. He is a trained interviewing officer, having done his course from Defense Institute of Psychological Research, Delhi. He is also a trained scuba diver and a trained mountaineer. In his illustrious service to the nation for over 38 years, he served in various appointments in Army and Corps of Engineer. The important assignments included Garrison Engineer, Command of an Engineer Regiment, Command of an Engineer Training Center, and many more. During his service, for his outstanding services, he was decorated 4 times, twice by the President of India, once by the Chief of Army Staff, and once by the Army Commander, Central Army. He is an outstanding sportsman and has received the National Championship twice and also represented country in the World Championship. Post-retirement, he is active in writing and lecturing. He has written a number of books. He has also interest in national security, engineering security, water security, value-based leadership, and disaster management. And he is always enthusiastic. And we are also receiving many YouTubes from Sir for his recent articles. He has also been a recipient of Rashtriya Atal Award for Military Engineering in 2020. He is a great speaker at various universities, and he is also the Director General of the College of Engineering Roorkee and COER School of Management, and also advisor HR to RGIPTJS, which is an institution designed by the Act of Parliament as a center of excellence. Presently, he is the vice chairman of a think tank, STRIVE, at Lucknow. Besides being an active member and senior fellow as a member of other think tanks. So we humbly welcome you, sir, for your speech. Thank you, Dr. Tatar. It was a very, very generous introduction, and I'm humbled. I'm indeed honored to have been invited to be part of today's national webinar, Maharana Pratap, a fearless Rajput king in remembrance of great warrior. Professor Asha Shukla ji, the Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar University of Social Science, Mao,
डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर, ऑनरेबल वाइस चांसलर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ उदयपुर, को चेयर ऑफ वेबिनार, प्रोफेसर रविंद्र के शर्मा द कीनोट स्पीकर हूज फैंटास्टिक लेक्चर वी जस्ट हर्ड एंड आई मस्ट एडमिट दैट आई वॉज एजुकेटेड. Other guests of honor, participating scholars, students, members of media, ladies and gentlemen, a very good afternoon and a namaskar. It's indeed a proud privilege for me to have been considered worthy of being part of this webinar, and my profound thanks for the same to the organizing committee. Before I proceed any further, I would like to pay my rich tributes to Maharana Pratap on his 425th death anniversary. Coming to the topic of the webinar, I have a small observation. Maharana Pratap was not only a Rajput king, but was a great Indian and a national icon who has inspired a whole lot of generations of Indians to remain committed to the thought of freedom and be prepared to pay any price for it. That most of us Indians know only few aspects of Maharana Pratap. Like he was some 7 feet 5 inches tall. He fought with Akbar with a great spear which weighed 80 kgs. His armor was weighing 72 kgs. He ate post Haldighati battle chapatis made of grass. He had a horse by name Chetak, and whose story is a part of folklore. And he was held by Bhamasha. However, these are very mundane details and need to be juxtaposed in the wider perspective of contemporary history to bring him out of the folklore where he still lives as a great warrior and who challenged the authority of Mughal emperor but lost. To my understanding, he was a great genius. Besides being a great warrior, he understood the geopolitics of the time quite well. He was a benevolent king who was loved by his people, who also knew the concept of comprehensive national power well before even this term was introduced by Chinese. He was secular in his outlook. He was fearless, as it is mentioned, and was not prepared to accept subjugation at any cost. An appraisal of life and times of Maharana Pratap from 1572, when he ascended to the throne of Mewar, to 1585, when finally Akbar gave up his efforts to capture Mewar, calls for considering some of the aspects which I shall try to flag today. First was, and foremost to my mind, was his indomitable spirit not to accept defeat. It is always said that you get defeated only once you accept defeat. Maharana Pratap never accepted defeat. He always never called Akbar Badshah or Jille Ilahi or whatever. He always called him that Turk, and which showed his contempt for his adversary, and he was prepared to accept any price which he paid for being fearless and independent. He was a quick learner of history, never allowed himself to get killed or get captured, because if king gets killed or captured, the kingdom gets lost. Example of great Pulkeshin II, the great Chalukya king, who, when he was surrounded by his adversaries, ran away with 100 followers, and rest is history, that he is termed today as one of the greatest kings India has ever produced, to Prithviraj Chauhan, who not only lost his kingdom, lost his life because he was captured. He had a great understanding of enemy's aim, and he knew well that Mughals wanted Mewar because it would have opened route to Gujarat, whose ports they could have used to multiply their revenues. And if you reduce your enemy's revenues,
you reduce his power to control resources. His understanding of battlefield and the enemy's strength was something par excellence. He followed Sun Tzu and selected the place of Haldi Ghati in that famous battle of Haldi Ghati, which was a defile, only a kilometer broad, and being hilly, did not allow Mughals to use their artillery. Yes, he gave in to his general's advice when, after finishing off the screen and the vanguard of Mughal armies and his left flank, he further followed them and charged them when they were in plains. And that is where muskets of Mughals did damage to his cavalry. Also, his use of reserves left much to be desired. Actually, in that particular battle, initially his use was terrific when he used bheel to disturb enemies. Despite being 1:4 ratio, whatever number is taken of say Maharana Pratap's army or Mughal army, ratio was 1:4. So that is something which is very difficult to in any kind of a battlefield. But his spirit to attack, his aggression helped him to disturb. Al-Badaini and Abul Fazal both have written in there these things. I mean, there had been certain things which probably the certain lack of intelligence, the kind of thing which the reserves Mughals had. And that has done in him, but that's okay. It's possible. Flexibility of mind. After the Battle of Haldi Ghati, he realized that in Battle of Plains, he will always have a disadvantage against Mughals because who had a better artillery. And therefore, he quickly switched over to guerrilla warfare. And he was a master. In this, one of the most important things is he totally changed the operational philosophy. And operational philosophy was that he selected his place and he defeated his enemy. And never get captured and keep harassing enemy, keep bleeding him through thousands of cuts. And that's how finally they gave up. And no wonder that even after Battle of Dewar, 1577, 78, 79, and 80, four times Mughals tried, but they could never make any headway. And finally they had to give up. One of the greatest principles of war is to provoke reaction and control them, so said MacArthur. Another principle of war is fight enemy on the ground of your choosing. Yet another principle is to know your enemy and know yourself, you'll win thousands of battles. Quick learner that he was post Battle of Haldi Ghati, he realized all these things. And in the Battle of Dewar, the way he managed to get Mughal army into his killing zone and then used his bheel very, very effectively in that jungle terrain where there was a very narrow pass, that was a masterpiece. Then his personal bravery, and this is the time he used reserves very effectively. He had two sets of reserves. One was led by his son, later Rana Amar Singh I, and one he himself used. And as Professor Sharma was mentioning, Behlol Khan, he just cut him in just one shot. That's the kind of strength he had. And Amar Singh, the way he killed Sultan Khan, it causes, you know, shock action is always a great shock action, always creates in enemies a kind of fear. Professor Sharma, when he in his presentation, he was talking of horses, that their stride causes fear in the mind. Today, the same thing is done by tanks. So this shock action is very important. And no wonder all 36 thanas and 36,000 soldiers of Mughals surrendered
it was one of the greatest battle, but it is unfortunate that when I was growing, I never read about this. My all knowledge finished at Haldi Ghati, and where it was said that, and some cooked up stories that his daughter was, when she was trying to eat a chapati made of grass, some animal came and picked it up, and he felt very bad about it, and he sent a letter. All those false information which was fed was not true. Marana's battle was Battle of Tiver, one of the greatest battles. And as Professor Sharma very rightly said, 93,000 in 71 and 1582, 36,000. What a, you know, the complete army's backbone is broken if 36,000 of its army surrenders. Then in this battle, particularly used, and in Haldi Ghati also, Bheel archers very, very effectively. That is the reason of his astounding success. So, which only proves a point that you must exploit all your resources very, very effectively and optimally. In warfare, innovations, they matter. And it's a battles are won only by use of how effectively you use your reserves. So, in Haldi Ghati, he did not have many reserves, but in Battle of Tiver, he used his reserves very effectively. Use of comprehensive national power. When we talk of Maharana Pratap as a benevolent king, and he converted his fight against Mughals, people's war. No wonder Bhamashah came with his property and all his money, and even the normal people, they gave, because certain portion of the Mewat, which is quite fertile, they gave all that food grains and all those things. So enemy was well provided. His emotional quotient was so high that be it Bhamashah or be Jhala Man Singh, I'm honored and privileged to share the forum with the Pratap Singh Jhalaji, who is a descendant of Jhala Man Singh Ji, who gave supreme sacrifice for his king. You know, this is not a very easy thing to do. That you know you are going for sure death and you allow king to get saved. And this can happen only if you have that tremendous respect for the king. Most important, and no wonder, with all this thing, he had managed to get the entire, as we said, he started that you get defeated only if you accept defeat. So at the end, 1585, the entire Mewat, less Chittorgarh and Manilgarh, he had recaptured, and Akbar gave up. He could not do. He himself came and he had failed. There's nothing. And he spent 6 months there and it didn't work out. One of the important element of leadership is character, and which was fine display when he admonished his own son when he had captured Khan Khana's family and he asked him to return the family. Doesn't it remind us that 35 generations later, from his lineage, Shivaji did the same thing with Nawab Kalyan's family. Sure. So that is what the character is all about. And that is what endears him even to his own enemies. His capability to see future. Although Rana Amar Singh had proved in many a battle his capability, yet the fact remained that he was not very sure that he will be able to remain the same as he was. So before his death, he made all his generals take a pledge that they'll continue his fight. Alas, it didn't happen. 1615, the treaty happened. Although this treaty is different from other, Mewat did not become a total vassal, but Rana Amar Singh did accept some kind of a
subjugation to move. Some random thoughts, which I mean, we must have a very, very critical analysis of someone like Maharana Pratap, and then only we will be able to get him into our national mainstream our thought and military thoughts. It's very important not only to keep your flock together, family together, but even the Rajputs. We need to, as they say that even today, one of the if Indians can be defeated, only because of by Indians only. And this was not only Maharana Pratap's time, even Battle of Plassey, just 55 Britisher with that Clive Lloyd could manage to defeat Sirajuddaula, who had an army of almost 20,000. So therefore, there is a need for us to forget our, I recently was somewhere and I was told by some foreigner that when I came to India, I met someone, some Bengali, some Rajput, some say Tamilian or something, but I did not find any Indian. So this pan-Indian identity is to be developed, which was the which was our Achilles heel in 1572, and even today it is there. In conclusion, I would say that there is a need to further try to revisit our history to ensure that Maharana Pratap gets rightful place in the Indian history. In this connection, I love the efforts of Dr. B.R. Ambedkar University of Social Science. May you get more power in your endeavor. And eminent historians like Professor Sharma and others, they may put their might to ensure that our history is revisited, and this defeatist Indian, which is projected through the leftist written history, needs to be corrected. We need to get our heritage back. We need to get, because after all, 5,000 years of civilization is not a day's work. And there is something, as Bal very rightly said, kuch baat hai ki asti mitti nahi hamari. Lekin this can be there if our history is corrected. When we start having a sense of pride in our heritage, and when we start respecting, say what Guru Gobind Singh managed to do with Akal army, which Shivaji managed to do when he managed to tie down Aurangzeb into South India, when Maharana Pratap did not allow Mughals to multiply their revenues by not allowing Mewar to fall. Those are the things which every Indian needs to be told. And that is where I applaud your effort. I'm thankful to Dr. Vidya Tatar for inviting me to share my view on this great son of India. Thanks a ton, and Jai Hind. Thank you very much, Major General A.K. Chaturvedi, sir. It was a very inspiring, and very, we learned many things from you. Thank you so much. Continue with the program. I would like to invite Lalit Narayan Singh Sandhu, sir, IS, District Development Officer, Batod, Gujarat. So before starting with his lecture, I just want to give a brief introduction about him. He's an IS from the Government of Gujarat 2015, Assistant Commissioner EPFO. He completed in the year 2014-15. He has also an experience in Assistant Knowledge Executive, PT Education, Jodhpur, in 2007-8, and related to his education profile, he is pursuing PhD from Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad. He has also done the course from MIT on EDX in the year 2021 in case of data, economics, and development policy. He is also master's in MA public management from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has also done his postgraduate diploma in management from IIM Indore, and he has also done some certificate course from J.N. Vyas University, Jodhpur, and he is also the Bachelor of Engineering from University of Rajasthan, Jaipur. His research interest is on development economics, Ghanaian conception of needs
Maharana Pratap Life and Time, Maharana Pratap Battle Strategy. Thank you so much, sir. We welcome you for your speech. You can share your PPT, sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Because I am facing some issues with the webinar. No, sir. Is it okay? Yeah, yes, sir. It's fine. Okay, thank you so much. Chair of the webinar, Honorable VC Madam Shukla, co-chair Honorable VC Dr. Rathore, eminent speakers who have spoken before me and who are going to speak afterwards, Professor Sharma, General Sahab AK Chaturvedi Sahab, Dr. Srimali Ji, Jhala Sahab, Professor Ripati, and Dr. Bindya Tatir. Thank you so much for inviting me to this webinar. I thank all the listeners who have tuned into this webinar. I think my since I am a management graduate and I work in an environment where usually a visual aid to a lecture is preferred, therefore I have made a very small PPT. It is not verbose, it does not contain much of words, but it has all the sub themes of the webinar, so that will help me to speak. I think the first slide is there. Maybe madam, if we can move to the next slide. I think it is a very important theme to have a webinar on the death anniversary of Rana Pratap. I must say that I am from Rajasthan and I belong from a community which was part of not just Battle of Haldighati, but all the phase in which Maharana Pratap struggled. So it is more of a research interest, but life and times of Pratap has always been inspirational. We identify with him. So I think I'll just I have won my lecture around all the sub themes of this particular webinar. I will not speak much on all of the themes, but I will have my views about all the sub themes in a very small, perhaps 1 or 2 minutes. And I think the biggest problem which we encounter when we talk about Maharana Pratap is, in a way, it was highlighted by Chaturvedi Sahab, that we deal with binaries. On one side we have left, on the other side we have a right, maybe. And the other important factor that Mewar traditionally does not have a culture of written history. Marwar has a lot of khyats if you look around, but Mewar written history was always not there. So in fact, if we have to do a serious research into the life and times of Pratap, we have to get ourselves out of all these binaries and then all these exaggerations which Chaturvedi Sahab has mentioned. So what happens is that serious students of history and all those academics who have been ruling the roost for so many years now, so they object to that exaggeration, and that particular fact is used to belittle the entire efforts which have gone into the research by many scholars who are doing. I think Srimali Sahab is here. He has done a wonderful work. And in an initial year there was no help, but he has made an institution unto himself. That is all possible because he could find a place where he could showcase the efforts without going into these binaries of left or right. And to begin with, one of the first sub theme of the webinar is that what is the significance and importance of Maharana Pratap in today's India? All of us felt proud when Neeraj Chopra won the first gold medal in a track and field event for India. But if you look at all the social media headlines and how it happened, naturally, it was that Neeraj Chopra started getting compared to, on one side was Neeraj Chopra, other side was Maharana Pratap. In management philosophy, we call it top of the mind awareness. So every Indian identified with a spear or a lens to Maharana Pratap. This is the importance of Rana Pratap in our collective consciousness, that we so readily identify with Maharana Pratap or anything associated with Maharana Pratap. Since I am from a community which has traditionally been involved in writing and reading and oratory, comes naturally to them. So in my village group, one Mr. Parmeshwar Singh Sandhu, he made a couplet instantaneously. As soon as we got to know that Neeraj Chopra has won a gold medal, so he composed and he said, Maharana Tharo Roop Hai Bharat Shrestha Kehwaaye, Rashtra Gaan Gawaaye Diyo Neeraj Swarna Diwaaye. So this is how we identify with Maharana Pratap. And then if you look at our history of over 1,000, 2,000 years, we have very few good men.
from whom we can take inspiration, who can be an inspiration to everybody, who could be inspiration across the country. Post-independent India, the leaders, either they are going to be political leaders or cricketers or movie stars. Pre-independent India, Gandhiji will come to mind. Then probably Vivekananda. Then, except for Sikh gurus, there is a vacuum for about 200, 300 years. We don't get to know anybody who could be a pan-India inspirational figure. Then suddenly we come across Maharana Pratap. Then, if we go two generations back, we have Rana Sangha, we have Mirabai, then all the good men from Mewat. So I think Maharana Pratap becomes important because traditionally we don't have many leaders who are acceptable to all or who have had a spotless character or impeccable integrity. Later on, Maharana's efforts were replicated by Shivaji Maharaj in a variety of ways. But we must remember, it was only Maharana Pratap who never agreed to any terms with the British or Mughals. He never entered his court. Somebody has clearly mentioned he never said him Basha or Jille Ilahi. Shivaji went to Aurangzeb and he was made to stand in line number 3. That's what infuriated him the most. Because Rana Pratap could see that this is going to be my fate as well. So he was foresighted. He never did that because he knew, as General Saab, since he's a military man, he understands all these things, that he could know that comprehensive national power, what are the elements of a comprehensive national power? He could understand the geopolitics well. That is why he comes out as a very spotless character, impeccable integrity. And my reasoning is that primary reason why he could have a character which he had was just, it was in a sort blessing in disguise, that his mother Jayavantabai was not very, Uday Singh was not very affectionate towards Jayavantabai. Therefore, in Kuvarpada, Maharana Pratap was raised at a distance from palace. So what happens if you are at a distance from the seat of power? Things like intrigue, manipulation, machinations, which are a part and parcel of the royal courtly life, they does not touch him. Also, he became very friendly with all his larger population. Somebody has mentioned that he was a people's prince. That is why he was called Kika till he lived. All the Bheels identified him, and from a people prince to a people's king, he became effortlessly because he acquired affection very early on. So all are these things made him very significant, very important. There, I don't think we have to highlight this by saying few things, that he was a very brilliant man. The definition is strength of mind. General Saab has mentioned that it was the indomitable will not to accept defeat. That is where his valor comes. Fearless warrior. If you look at the traditional medieval Indian history, usually the kings and the generals, they would be either at the rear end, sometimes in the middle, but they would never lead attacks from the front. If you look at Battle of Haldighati, if Hakim Ka Sur was one of the senapatis, Maharana Pratap was a senapati. He went head on. He fought head on. So was in the Battle of Diwar and many numerous raids which he conducted. Saab has very clearly mentioned that he could run 36 thanas in a span of 3 days after the Galiant attack at Battle of Diwar. In all of those battles, he participated. So he was a very fearless warrior. And the most important thing, which not much has been appreciated, that he was a very thoughtful leader. When it was decided that we have to fight Mughals, they are there. They were resting at Mandalgarh and we have to fight them. So what does he do? We go and directly attack them. Then he respected tradition as well as experience. The only general of name who was in Rana Pratap's army at the Battle of Haldighati was Ram Shatavar, who had experience of fighting the Mughals. So he knew their strength. He knew their ways of fighting. So what he suggested? He suggested we should wait and let them come deep into the mountains and attack them. But Rajput young blood, that was boiling. They were always fearless. They, Colonel Todd has mentioned that they were always ready to die. But battles are not won only by dying. So he acquired a middle ground because he had great respect for tradition. And Mewar has been a democratic society in terms of Raos, Umraos,
their viewpoints were always accepted. It was not that if you are a Rana, you could go do anything. Their viewpoint was very important. So the viewpoints of Chundavats, viewpoints of Jhalas, it was very important for Rana Pratap. So he acquired at a middle ground that we go some distance out of the mountains, but not far off. So in case of any eventuality, we could come back. And that is how he designed his rear guard action under Punjab. That if we don't fare better, then we can come down very safely to our mountain phase. And it had this impact. When they entered plains, it is very well articulated by General Saab that they faced musket action. General Sagat Singh even says that that Imperial forces has artillery with them. And he has himself seen in a Potikhana of Jaipur that they had two kind of light artillery. One was Nahargadi, other was Nahargadi was something, it had a very high trajectory, and one was a Pahadi. So that had a relatively flat trajectory. So when they met Imperial forces in plains, it did not augur well, and the battle was entering a stalemate. So he came back into the hills, but Imperial forces did not follow him, because they knew that it could be a part of battle strategy of Rana that let them come in and then we will hunt them down. That's why I say he had great respect and for tradition as well as experience. He was always very innovative and improvised within the battle as well as outside the battle. If you talk about element of human rights is a very recent innovation. Even about 45 years after independence, we made a human rights commission. So what can we talk about human rights about 400, 500 years ago? But he was not only a people's prince, he was a people's king as well. I'll tell you how. All these are inferences which can be substantiated by facts. A large part of Mewar was converted into wasteland because Rana asked all his men who were in the plains to move up the mountains as a part of battle strategy, which later on in military literature, we can say he was following a scorched policy, so that the gainers of ground does not get anything from the place they conquer. So a great part was converted into wasteland. But do we read or hear or anything about any protest, any uprising? If there's a slight increase in price of onion, government collapses. But there were no protests, no uprising. Why? Because it was a people's struggle. It was not only a Rana struggle, but it was a people's struggle. And when the good times came to Mewar and all those who stood by him during his challenging times, generous grants were given. I have myself seen, if you go to Bikaner, you can see a lot of Tamrapats where generous grants have been given to Charans, to Brahmins, to Purohits, and all those who stood by him. There are no instances where we can see that informants or squealers have said something about Maharana. Why? Because he was extremely popular. People liked him. And as it is said that during the lifetime of a king, he was perhaps the most popular king during his lifetime. I'll highlight a fact that after Battle of Haldighati, Badainu was himself fighting in that battle. So after about 10 days, he left to give the news that we have won. But he himself writes that nobody believed me. Nobody is going to believe him, though he was riding the elephant, which was part of the Mewar's contingent. Yet no one believed him because Rana Pratap was so immensely popular that people don't believe any narrative which was at variance from what Rana Pratap symbolized, what he managed. And if you talk about human rights, perhaps that is the best example which we can say is, look at the Mewar coat of arms, which came about 150, 200 years later. But who are the two men representing on that Mewar coat of arms? One is a Rajput warrior. The other is a Bhil warrior. And they have that Jo Drad Rakhe Dharamni Tahi Rakhe Karta. This again was from Rahim. When Amar Singh sent him a couplet saying that I am a Vanshaj of Rana and I am in wilderness while all others are having a merry time. So then Rahim replied to him that Dhar Raisi Raisi Dhara Khabjasi Kursan Amar Vishambar Upra Rakho Necho Ran. This is how, through this couplet, that those who steadfast in the duty of Dharma, earth will remember them. So
if you look at this coat of arms, it makes very clear that he had great respect for human rights. And it was an inclusive struggle. Everybody contributed. Luhars were making weapons. Poets were motivating their forces. People who were rich, they were contributing a higher sum to the state treasury. Now, this impact in Mewar region of Rajasthan, Jhala Sahib is there. I think I will not say much. Jhala Sahib will probably, Shrimali ji will say a lot about this. That, to use a word, that Rana Pratap's life was kivdanti. Hindi mein kahe to kivdanti. It is a fasana. It is not only something based out of reality. Everybody identifies with Rana Pratap, the times, places where he stayed, places where he wandered. They have become religious places. They have become site of something godlike figure. All these villages, all these places which are spread around Mewar, they have become religious spots. And if you look at the life and times of Rana Pratap, Udaipur is missing conspicuously because he was a man of the wilderness. He had a great regard not only for the wilderness of Mewar, but he did not identify himself as a very a king who would live in luxury, but he wanted to stay with people. And right from childhood, hunting was a very serious sport, what is called akhet. So in growing up of kings and princes, akhet plays a very constructive role because it makes them fearless, it makes coordination very easy. So it is not only for entertainment or a sporting activity, but it was used as a tool to build character. So if we look at that, today we are celebrating his death anniversary. The primary reason which is being said of his death, the cause of his death, was that he was on an hunting expedition. And there he sustained an internal injury, which after a while he could not get better. And eventually he had to, his life has to end because of an accident involved in hunting. And Mewar, the entire identity of Mewar is due to Pratap. But there were kings who were perhaps greater in terms of Pratap by the amount of territory they could add to Mewar. But the life and sacrifice and the indomitable will, courage, fearlessness, that identifies Mewar with Rana Pratap. I think I am no expert on battle strategy, but what I have read, I have done some research and through folklore and being a student of management, leadership literature is flooded with thoughts how to be a good leader and what are the qualities of a good leader. The most important quality of a good leader is decision making, and that too under circumstances of uncertainty. This is the most important leadership quality. And if you look at life of Rana Pratap post the siege of Chittor, coming to Udaipur, then to Gogunda, then to Kumbhalgarh, from 72 to 76, Akbar has sent 4 missions. People who were very diplomatic, people who could try to gain into what is Rana Pratap thinking, how he is going to say what to our offer, but none of them could make into what he is thinking. In the meantime, he made his forces fit for fighting to give a real challenge. So his decision making under these extreme clouds of uncertainty was very clear. And the other most important thing about his leadership quality is that he was a far-sighted man. He could see the future clearly. If you look at Akbar by then, Mughals were just 50 years old by the battle of at the time when Haldighati occurred. Whereas Rana Pratap by that time came from a house which was about 700 years old. So he had history on his side. And he could clearly see this, that whenever people who are from outside, they come, whether they are going to settle, no. They just want to extract some rent from their occupied territory. He could see it clearly. Therefore, he had a very long-term vision of life. He did not want to get short-term gains of living a luxurious and a life in palace. Therefore, he is truly a great leader. If you look at element of surprise, it was a part of his strategy. Later, in military literature, people call it guerrilla warfare. If you look at the struggle of Vietnam, it has a lot of elements of Rana Pratap's strategy. If you look at what they call, they build a great tunnel network. If you look at Mewar, there were so many caves which were used as hideouts. If you look at the physical structure of Bhil warriors, they are very thin. They are not very tall as well. So, in Vietcong area, where they would say that they would use rat holes. So all these people
they served as early warning system as well. They were his informants. So all these constituted his battle strategy. He could attack at his time of choosing. He could attack at will. And he decided which place to attack, or if there is a larger contingent coming, strategic retreats was a norm. So all these raids became very effective, and they never allowed anybody to settle in Mewar. So just coming to the, this is perhaps the last slide, if I am not overshot my time. So what could be the inspirational lessons which we as a perhaps youth of the country or all of us can draw from him? I think these are the some of the most important things which we should always keep in mind while talking about Rana Pratap. Though he came from a very illustrious house, but he made it a point that Sva Kulan Nyunta Nechate, don't fall below what your kul or your previous generations have set in. So he never fell below it. And what Arjuna says, Na Danyam Na Palayanam, Rana Pratap never fall from the path of virtue. He never felt that I cannot do this. He was always convinced. He was always confident that I can do this. And all these things, all these trying circumstances, about 10 years of difficult time coming from such a great house, yet he was never bitter about life. He treated his adversaries with respect because he knew, he was sure of his capabilities. Therefore, he was never bitter about life. I have already mentioned about his long-term horizon, and that is the reason that even after 4,500 years of his death, all of us are celebrating, all of us are remembering him. He, if you talk about how do good or great leaders are remembered, Mewar was not the greatest kingdom on earth. Mewar was neither the richest kingdom on earth. Rana Pratap never fought the greatest battle in life. If you look at Haldighati, in terms of battle size, it was a very small battle. Rana Pratap perhaps at about 2,500 to 3,500 men. Mughal contingent was about 4 to 5 times larger than that. Rana Sangha would fought battles which had lakhs of soldiers. So in terms of battle size, it was not an important battle. Yet we remember Haldighati, yet we remember Rana Pratap, because they identified with the collective consciousness that we don't give in to the aggressors. We don't give in to the occupants. And as I already mentioned, Mewar consisted of democratic decision making. All the houses were important. There, whatever they said, it contained virtue. It contained very important. I think I'll end here. This is my last slide. It is a cenotaph situated about 2 kilometers from Chavan. It is a flowing stream near Bandoli. This is the final resting place. It is a very modest one, given the fact that Rana Pratap was such a great soul. Perhaps in times, if governments decide to make it into a grand site where everybody can go and take inspiration, it would be very good for all of us. Thank you so much. I commend the efforts of Browse, and you have established a Shodhpeeth. I think new research should come from this. I would be very happy to be associated with you, and I look forward to this university making a real mark or contributing to the research around the life and times of Maharaja Pratap. Thank you, everybody. Thank you very much, sir, for your very inspiring speech and the facts which you have shared with us. It was very knowledgeable. Thank you so much. Next, I just invite Dr. Mukund Lal Srimali, Director Maharaja Pratap Museum, Haldighati. Main sir ka ek brief pariche dena chahungi. Adaniye डॉक्टर मोहनलाल श्रीमाली, आपका आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आप बीए और बीएड हैं. आपके अध्यापन का अनुभव 23 वर्ष का रहा. आपका जन्म स्थान गांव बलीचा हल्दीघाटी खमनोर खमनोर में हुआ है. और आपका जो मेन आपका जो कार्य है वो संग्रहालय संचालन का है. और आपका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो समस्त राजस्थान में रहा है. और आपको बहुत सारे विषय जुड़े हुए जैसे कला, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण व समाज सेवा में आपकी प्रकट रुचि है. आपकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई है उनमें से कुछ के नाम है बप्पा रावल, हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप. और आपने विभिन्न संस्थाओं में अपने सेवाएं दी है. आप बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष और संस्थापक रहे हैं, सदस्य रहे हैं. उनमें कुछ के नाम मैं लेना चाहूंगी,
जैसे लोक अधिकार मंच नाथद्वारा, वन सुरक्षा समिति हल्दीघाटी, राष्ट्रीय साहित्य कला और सांस्कृतिक संस्थान, महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान हल्दीघाटी, प्रताप विद्या मंदिर विद्या विहार खमनोर, बेवार कॉम्प्लेक्स कमेटी उदयपुर संभाग, राज्य स्तरीय पर्यटन समिति राजसमंद, प्रताप सूद प्रतिष्ठान उदयपुर, संजीव सेवा समिति उदयपुर, राष्ट्रीय गुण मिशन संगठन उदयपुर। इसी के साथ आपने बहुत सारे आपको पुस्तकों के लिए पुरस्कार, आपको कई सारे प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं, उनमें से कुछ के नाम में लेना चाहूंगी। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित किया गया, 3 बार आपको राज्य स्तरीय सम्मान मिले, महाराणा मेवाड़ अलंकार सम्मान, रानी पद्मिनी पुरस्कार, राणा राज सिंह अवार्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यूनेस्को अवार्ड, 5 बार जिला स्तरीय सम्मान भी आपको प्राप्त है, अन्य 50 संस्थाओं द्वारा भी आप सम्मानित हैं। तो इसके साथ मैं आपके परिचय में कुछ और इसमें आपका विषय देना चाहूंगी कि आपका जो विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी में सन 2003 से पूर्व पर्यटकों में मूलभूत सुविधाओं को इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता से संबंधित कोई भी केंद्र नहीं था, जिसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने वरिष्ठ शिक्षक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आपने जीवन की सारी चल अचल पूंजी समर्पित कर महाराणा प्रताप संग्रहालय में निर्माण किया। आपके कारण हल्दीघाटी जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र का संरक्षण हो पाया है। संग्रहालय संचालन के अतिरिक्त आपको अन्य साहित्य संरक्षण जैसे अन्य समाज सेवाओं में भी आप अग्रणी हैं। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मोहन शेमाली सर कि आज हम आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आपके वक्तव्य को सुनने के लिए बहुत ही अनुग्रहित हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले कुलपति महोदया का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज की ये महत्वपूर्ण वेबिनार में मेरे को सम्मिलित किया। महाराणा प्रताप प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, आज उनकी 425वीं पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महाराणा प्रताप देश के ही नहीं पूरे संसार के प्रेरणा के स्रोत हैं। राजा राम के वंशज कहे जाते हैं कि ये राजा राम के वंशज हैं और जैसे राम में जो गुण थे वो गुण इनमें भी थे। हमारे देश में आक्रांताओं को महान बताया गया जबकि महाराणा प्रताप महान है। उनकी महानता का अगर गुणों पर वर्णन करें मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे मैंने 15-20 पॉइंट नोट किए हैं जिनके कारण हम आज की तारीख में एक नई बुक्स प्रकाशित करने जा रहे हैं कि महाराणा प्रताप महान। आक्रांता कभी महान नहीं होता है, किसी के घर पे आक्रमण या किसी देश पे आक्रमण करने वाला कितने बढ़िया आदमी हो वो महान नहीं हो सकता है, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों को ये पढ़ाया गया कि आक्रांता महान हो गया। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। महाराणा प्रताप जननायक थे। आज के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, बहुत से जनता की सेवा के लिए आते हैं, तो वास्तव में महाराणा प्रताप जननायक थे। वो सभी जातियों के लोकप्रिय थे और उनके युद्ध के अंदर सभी जातियां लड़ी है, इसमें कोई बाकी नहीं। जनजाति लोग भी थे, ब्राह्मण भी थे, जैन भी थे और काफी जो लोग थे सभी जातियों के। इसमें हकीम खास सूरी कहते हैं एक मुस्लिम पठान था, वो भी इनका सेनापति था। तो ये महाराणा प्रताप जो थे वो जननायक थे और उनका जितना वर्णन किया जाए वो बहुत कम है। हम महाराणा प्रताप जो है आज्ञाकारी थे। यूं कहते हैं कि पिता की आज्ञा, जैसे राजा दशरथ ने केकई के वचन लेने से वनवास दिया तो वो सहर्ष चले गए, उनका विरोध नहीं किया। तो कहते हैं कि भटियानी रानी जो थी वो चाहती थी कि जगमाल गद्दी बैठे, तो उदय सिंह जी का उनको भटियानी रानी से थोड़ा ज्यादा लगाव था, तो वो महाराणा प्रताप से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहते थे। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि चित्तौड़ की तलहटी में अपना जीवन व्यतीत किया, तो वो सामान्य लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना उनका रहा। तो वो हमेशा कहते हैं कि कीका, उनको कीका भी कहा जाता है, कीका मतलब लोकप्रिय व्यक्ति। क्यों कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है अल्प आयु में 14 वर्ष की आयु में आप कल्पना नहीं कर सकते, 14 वर्ष की आयु में उन्होंने युद्ध किया, डूंगरपुर छपनिया राठौड़ को जीत लिया उन्होंने 14 वर्ष की आयु में।
इतने मतलब 14 वर्ष से ही वो एक वीर योद्धा थे, उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था, राष्ट्र से बढ़के कोई चीज नहीं थी। लोगों राजाओं ने हमेशा साम्राज्य विस्तार या जनधन इकट्ठा करने के हिसाब से युद्ध करते थे। महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध किया उन्होंने, इसलिए आज हम 400-500 साल के लगभग होने आए हैं तो महाराणा प्रताप को याद करते हैं। दूसरा देखिए, आपकी महाराणा प्रताप को कहते हैं कि जब राजगद्दी का जब नंबर आया तो भटियानी रानी के अनुसार उदय सिंह जी के देहांत के बाद जगमाल जी को राज्याभिषेक करना तय हुआ और उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था। महाराणा प्रताप बड़े थे और वीर बहादुर थे, उनका हक बनता था, वो चाहते विद्रोह कर सकते थे, लड़ सकते थे, परंतु नहीं लड़ी की और वो दाह संस्कार में चले गए। तो सामंतों ने वहां उनको देखा कि महाराणा प्रताप जो है यहाँ दाह संस्कार में कैसे आ गए, इनका तो राजतिलक इनका होना चाहिए। तो सामंत लोगों ने उनको ले जा करके वहां उनका राजतिलक किया। तो महाराणा प्रताप कितने धैर्यवान थे कि अगर कोई राज मिल रहा हो तो कोई आज छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता है। तो महाराणा प्रताप ने त्याग किया, वो बहुत दूरदर्शी थे, कूटनीतिक थे, चार बार संधि प्रस्ताव जो आए एक एक संधि प्रस्ताव को उन्होंने उलझाए रखा और इधर जो है वो मेवाड़ में अपनी सेना को मजबूत करने में लगे रहे और चार बार संधि प्रस्ताव को अंत में जाकर के नहीं माना और युद्ध किया उन्होंने। उनमें कुशल नेतृत्व की क्षमता थी, उन्होंने आसपास के राजाओं से संबंध स्थापित किए और अपने मेवाड़ को उन्होंने मजबूत किया। वो उदार व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने जिन लोगों ने मेवाड़ के लिए जो कुछ त्याग किया युद्ध में लड़े उन लोगों को उन्होंने पट्टे परवाने दिए। वो महाराणा प्रताप एक नारी का सम्मान भी करते थे, आज कहीं विश्व में देखने को नहीं मिलता ऐसा उदाहरण कि जब अमर सिंह दिवेर के युद्ध में शेरपुरा में अब्दुल रहीम खान खाना की जो है वो भाग पीछे हटता चला गया और उसको अमर सिंह ने वहां भगा दिया और कहते हैं कि वहां से जो भी धन धन वो वहां से सामान लेकर के और वहां की बेगम को लेकर के अमर सिंह जी आ गए तो और महाराणा प्रताप के समक्ष लेकर के आए तो महाराणा प्रताप को बहुत क्रोध आया और उन्होंने डांटा कि भाई अपनी पराई स्त्री को माँ बेटी और बहन का दर्जा होता है, ये हमारा धर्म नहीं है, इस स्त्री को वापस तुम सम्मान इसको छोड़ के आओ जहां पर जहां से इसको उठा के लाए हो। आप देखिए, आप आज संसार में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो करुणा के भाव भी थे, जब चेतक घोड़ा तीन पांव से कूदा और उसकी मृत्यु हो जाती है कहते हैं महाराणा प्रताप ने जीवन में कभी आंसू नहीं बहाए, परंतु जब उनका चेतक का डेथ हुआ तो कहते हैं कि उनको अश्रुधारा बह निकली और हमारे में पूर्वज ये कहते हैं कहते आए हैं कि जब चेतक घोड़ा नाला कूदा और वहां डेथ हो गई उसकी मृत्यु हो गई तो वहां एक पास में शिव मंदिर है जहां हमारे पूर्वज पूजा अर्चना किया करते थे, तो वहां घोड़े को ला करके दफनाया गया और बाद में इनके वंशजों ने हमको ये गांव इसी पूजा में दिया। आज भी हम चेतक घोड़े की समाधि की पूजा करते हैं। वंश संसार में कहीं पर भी ऐसा कहीं नजर नहीं आता है कि किसी पशु की पूजा की जाती हो, तो ये उसी तरह से उस टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। बहुत बलशाली थे, बहुत ताकतवर थे, आप देखिए 72 किलो के बख्तर था उनका और 125 का भाला, जो हमारे 125 को 30 किलो बोलते हैं, 30 किलो का भाला था, इतना वजन लेकर के वो युद्ध में लड़ते थे। तो ताकतवर भी थे और उनमें जो विल पावर था, जो कहते हैं कि आज अकबर के सामने लड़ना है तो कोई सोच लड़ने की दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता है, परंतु महाराणा प्रताप ने उनके आगे न तो सर झुकाया न उनकी अधीनता स्वीकार की, वो हमेशा जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, मतलब पूरा जीवन जो उन्होंने लगा दिया और प्रतिज्ञा की थी जब तक पूरा मेवाड़ नहीं ले लूंगा, बिस्तर नहीं सोऊंगा, बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, मेलों में नहीं जाऊंगा, तो इतनी कठोर प्रतिज्ञा का जो पालन किया है, आज महाराणा प्रताप को उसी वजह से याद किया जाते हैं क्योंकि उतना बड़ा त्याग और तपस्या किसी राजा ने नहीं की है। तो वो कुशल नीतिकार भी थे, धर्म योद्धा थे, प्रतिज्ञा पालक थे। भामाशाह से जब भामाशाह ने दंड भेंट किया उनको, उन्होंने अगर कोई दूसरा राजा होता तो ऐसे आराम में काम ले लेता, उन्होंने वापस सेना को मजबूत करने में लगाया उस पैसे को और देश मेवाड़ को वापस अपना स्वाभिमान दिलाया। मेवाड़ सदैव आजाद रहा है, कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में भी मेवाड़ गुलाम नहीं रहा, कहते हैं कि सिक्के चलते थे मेवाड़ में उसमें चित्रकूट उदयपुर दोस्ती लंदन ये लिखा जाता था,
ये महाराणा प्रताप की देन है। महाराणा प्रताप से लोगों ने प्रेरणा लेकर के मेवाड़ को हमेशा कभी गुलाम नहीं होने दिया और आज की तारीख में महाराणा प्रताप को जितना याद किया जाता है, जितना सम्मान दिया जा रहा है पूरे देश में, उतना मेरे ख्याल से किसी को नहीं दिया जाता है जितना महाराणा प्रताप को दिया जा रहा है। और आप विद्वानों ने बहुत सारे विचार आपने व्यक्त किए हैं और बहुत सारी नई नई जानकारियां हमको मिली है कि आज जो बड़े बड़े विद्वान लोग इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका भी सब आभार व्यक्त करता हूं। और आज 425वीं पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन श्रीमाली सर, आपका जो वक्तव्य है बहुत ही इंस्पायरिंग रहा और आपने इतने बहुत इतने सारे उनके बारे में, बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बताया कि लोग सभी आज मेवाड़ और पूरा भारतवर्ष क्यों महाराणा प्रताप को सम्मानित करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री प्रताप सिंह झाला तलावाड़, प्रताप शोध संस्थान भोपाल, नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर को सादर आमंत्रित करती हूँ। और उससे पहले मैं सर का एक ब्रीफ परिचय देना चाहूंगी। सर राजा झालावाड़ सिंह के पूर्वज के उनके वंशज से हैं और ये रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इन्होंने ये ही इज द डिसेंडेंट ऑफ झाला अजय सिंह हु फोर्ट अगेंस्ट बाबर एट खनुआ ऑन 17 मार्च 1527 एडी। When Maharana Sangha injured while battle, he wounded and become the unconscious. Then Jhala Ajaji took command of Indian subcontinent, combined forces of India and sacrificed his life in Khanuwa battlefield. And Jhala Man, who saved Maharana Pratap and sacrificed his life in Haldi Ghati during the war 1576 AD. Traditional wisdom and cultural inheritance of the Mewar state in Rajasthan leave human life, human library source of Rajasthan history. Presently he is working and doing social works under guidance of RISET, His Highness Maharana Mahendra Singh Ji Mewar, Udaipur, Rajasthan. He is also the convener of Mewar Jan, Udaipur, Rajasthan. So I welcome you, sir, for your speech. Thank you. आप सभी की अनुमति से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक ठीक सर। भारतीय सनातन संस्कृति के पुरोधा महानायक युग पुरुष महाराणा प्रताप की आज पुण्य तारीख है। माघ शुक्ला एकादशी उनकी पुण्यतिथि है और हमारे भारतीय संस्कृति में पुण्यतिथि के हिसाब से ही मनाई जाती है, परंतु अब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं इसलिए 19 तारीख है इनकी जो ये पुण्यतिथि है। मैं महाराणा प्रताप को आज उनकी पुण्यतिथि पर बार बार नमन और वंदन करता हूँ। आज की वेबिनार के सभी सहभागी महानुभावों का निम्न दोहे के साथ यथा योग्य सम्मान के साथ अभिवादन करना चाहूंगा। भागहुं ई न भड़ मिले न तपस्या रे ताप, किण गिण मा जीवित जले जद जन्मे प्रताप। इस दोहे का आशय यह है कि भागहुं न ई भड़ मिले, तो भाग्य से इतनी बड़ी सहायता नहीं मिल सकती है, न तपस्या रे ताप, न तपस्या के तप से ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे महाराणा प्रताप जैसे पुत्र की प्राप्ति तभी हो सकती है जब अनगिनत माताएं, धर्म पुराण माताएं यज्ञाग्नि में धर्म संस्कृति और देश की रक्षा के लिए संकल्प के साथ सहर्ष जौहर की ज्वाला में प्रवेश कर अपने प्राणों की आहुति देती है। युग पुरुष महामानव महाराणा प्रताप का जन्म 1535 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह गुजराती के दूसरे आक्रमण के समय हुए जौहर और साके के 5 वर्ष बाद हुआ। तो ये जो है
जोहर की ज्वाला में जो संकल्प के साथ माताओं ने जो आहुति दी है उसका परिणाम यह है कि महाराणा प्रताप जैसे पुत्र का जन्म हुआ। प्रातस्मरणीय वीर शिरोमणि जन नायक महाराणा प्रताप के आदर्श व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए हमें महाराणा प्रताप के जन्म से पूर्व 1527 ईस्वी से लेकर महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक 1572 ईस्वी तक इस दौरान मेवाड़ राज्य के आंतरिक और मेवाड़ राज्य के बाहर राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामरिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है। तात्कालिक सांस्कृतिक संक्रमण काल की ऐसी भारी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए महामानव महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वाधीनता व अस्मिता की रक्षा के साथ भारतीय समाज और सनातन संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने हेतु कितना लंबा धैर्यपूर्वक मर्यादित मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व के साथ आजीवन अहिर्नश युद्ध संघर्ष किया तथा अनवरत युद्ध संघर्ष के उपरांत अंततोगत्वा उस विकट संघर्ष में भी स्वाभिमान के साथ सफलता हासिल की। हम यह सब जान लेंगे तभी महाराणा प्रताप के आदर्श चरित्र, व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को आसानी से समझ पाएंगे। अब मैं मेरी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ मेवाड़ के महाराणा हैं और श्री अरविंद सिंह जी उनके जो अनुज भ्राता हैं वो मेवाड़ की प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूटर हैं। इसलिए अपने को इस ऐतिहासिक तथ्य को भी अपने सेमिनार में सही कर लेना चाहिए कि अरविंद सिंह जी महाराणा नहीं है। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। युग पुरुष अपराजेय राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप सिंह 20 फरवरी 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा उदयपुर से प्रस्थान करके बयाना पर हमला करते हैं क्योंकि उसके पहले बयाना पर कब्जा बाबर ने कर लिया था और 20 फरवरी के आसपास कब्जा करके वापस अधिकार करके बाबर को हटा देते हैं। उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में वो घायल हो जाते हैं और जीती हुई बाजी हार जाते हैं। उसके बाद में वापस जब उनको मूर्छा आ जाती है उसके बाद में होश आता है उनका, मुझे युद्ध क्षेत्र से बाहर क्यों लाए। जब वो जिद करते हैं और 10 महीने बाद में फिर वापस बाबर पर आक्रमण करने जाते हैं तो वो संयुक्त सेना बिखर चुकी होती है। इस वजह से कुछ लोग उनको कालपी के पास में बेतवा नदी किनारे पे जहर दे देते हैं और महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इसी समय से मेवाड़ का पराभव शुरू होता है जो महाराणा प्रताप के जन्म तक शुरू रहता है 1540 तक। महाराणा सांगा के देहावसान के बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह द्वितीय काफी योग्य थे, वो गद्दी पे बैठे, परंतु मेवाड़ का जो आंतरिक कलह था उस वजह से उनकी बूंदी में शिकार के टाइम में 1531 में हत्या हो जाती है और मेवाड़ के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जब मेवाड़ में उत्तराधिकारी के तौर पे क्या है कि जब महाराणा सांगा के जीवित अवस्था में ही रणथंभौर का दुर्ग विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह जो दूसरे और तीसरे नंबर के पुत्र थे इनको कर्मवती इनकी जो माता थी उन्होंने मांग लिया और मेवाड़ से अलग इनको जागीर दे दी थी। तो मेवाड़ में जब रतन सिंह की हत्या हो जाती है तो मेवाड़ के जागीरदार इकट्ठे होकर वापस कर्मावती को आग्रह करते हैं कि आप विक्रमादित्य को भेजें, हम मेवाड़ का महाराणा बनाते हैं और मेवाड़ संभालें आप, क्योंकि महाराणा का और दूसरा कोई उत्तराधिकारी है नहीं। जब विक्रमादित्य आता है तो विक्रमादित्य अयोग्य शासक साबित होता है। 31 से 36 तक वो मेवाड़ का महाराणा रहता है। इसी दौरान क्या है कि बहादुर शाह गुजराती आता है और 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पे अटैक कर देता है। तो कर्मावती उस टाइम उसको धन दे करके और वापस विदा कर देती है और उसके बाद में
वापस बहादुर शाह गुजराती मेवाड़ की कमजोरी को जानता है क्योंकि महाराणा सांगा ने उसको शरण दी थी, तो इसलिए वो मेवाड़ की कमजोरी को जानता था। और दूसरी बात, जब 34 में वापस मेवाड़ पे आक्रमण करता है 34-35 में, फिर जौहर होता है और जौहर के बाद में चित्तौड़ की ऐसी दुर्गति होती है कि पूरा कत्लेआम हो जाता है और वहां पर ये परिस्थिति पैदा हो जाती है कि अब मेवाड़ को कैसे संभाला जाए। तो महाराणा सांगा के जो बड़े भाई होते हैं पृथ्वीराज, उनका जो पासवान या पुत्र होता है बनवीर, वो मौका देख लेता है कमजोरी का और 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तो उसके बाद में जब पन्ना खींचन जो रनिवास की संरक्षिका थी उसको पता लगता है तो वो दाय माँ के साथ में मैसेज भेजती है कि उदय सिंह को बचाओ वरना बनवीर हत्या कर देगा और मेवाड़ का केवल एक उत्तराधिकारी बचा है। तो पन्ना जो दाय जो है वो अपने पुत्र का बलिदान दे देती है, उदय सिंह जी को बचा लेती है। इस तरह से उदय सिंह जी बच के और 1536 में कुंभलगढ़ में आ जाते हैं। कुंभलगढ़ में 37 में उदय सिंह जी का मेवाड़ के जागीरदार मिलकर के राज्याभिषेक कर देते हैं। फिर 38 में मान सिंह अखेरा सोनगरा पाली के, उससे क्या है कि मेवाड़ का और उनकी फोर्सेस को मिलाते हैं और जयवंताबाई से महाराणा उदय सिंह जी की 38 में शादी करवाते हैं। शादी के बाद में महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म होता है। उसके उसी दौरान मेवाड़ के सब जागीरदार और मारवाड़ के अखेरा सोनपुरा की फोर्सेज मिलकर के 1540 ईस्वी में ही चित्तौड़ से बनवीर को भगा देते हैं और चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये 12 साल की जो परिस्थितियां हैं ये महाराणा प्रताप के जन्म के पूर्व की है। इस समय जो एक मेवाड़ बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पावरफुल था सांगा के टाइम में, वो 12 साल में एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। इस परिस्थिति में अब क्या है कि 1540 में ही हुमायूं को हरा करके शेरशाह दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाता है। अब जो महाराणा उदय सिंह जी यंग होते हैं और वो मेवाड़ को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो 1543 में शेरशाह सूरी रणथंबोर पे हमला कर देता है और उसको रणथंबोर अपने कब्जे में ले लेता है। 1544 ईस्वी में वो गिरिशिमल मारवाड़ में युद्ध करने जाता है तो वहां से जब हार के वापस निकलता है तो वापस मेवाड़ में जाजपुर की तरफ घुस जाता है। महाराणा उदय सिंह को जागीरदार सभी राय देते हैं कि अभी मेवाड़ 12-14 साल से इस संघर्ष में है कि लड़ने की स्थिति में नहीं है, हम बिखर चुके हैं, हम ऐसा करें कि इसको ये कह देते हैं कि भाई ये किला तुझे सौंप देते हैं और हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और उधर जो हार के आया था तो ये स्थिति मेवाड़ वाले भी जानते थे कि शेर साहब भी इस पे मान जाएगा क्योंकि वो भी हार के आया हुआ है, इसलिए वो एकदम लड़ाई के मूड में वो भी नहीं रहेगा। इस स्थिति में शेरशाह सूरी शम्स खां को अपना सूबेदार किलेदार नियुक्त कर देता है और महाराणा उदय सिंह जी के अधिकार सीमित हो जाते हैं। जो ही 1545 में वापस शेरशाह की डेथ होती है और 1546 में शम्स खां को मेवाड़ के जागीरदार मिलकर भगा देते हैं। इस तरह से वापस मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। परंतु अब परिस्थितियां आगे बढ़ती है तो करीब महाराणा प्रताप 10-12 साल की उम्र तक तो इसमें कुंभलगढ़ के किले में रहते हैं और कुंभलगढ़ किले से जब वापस उनको चित्तौड़ जयवंताबाई वो दोनों चित्तौड़ आते हैं तो चित्तौड़ आने के बाद में वो 2 साल तक चित्तौड़ की तलेटी में रहते हैं और जागीरदारों के जो युवा बच्चे हैं वो और जनता के युवा बच्चों के साथ में रहते हैं, करते हैं और पूरी इस तरह से उनमें घुल मिल जाते हैं। 14 साल की उम्र होते हुए वो 1554 ईस्वी में जो सोम की तरफ बागड़िया चौहान जो राजपूत हैं वो उपद्रव मेवाड़ की कमजोरी देख के उपद्रव करके और वो मेवाड़ से अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए महाराणा प्रताप अकेले जाते हैं। सोम के घाटे में डूंगरपुर बॉर्डर पे युद्ध लड़ते हैं, उस विद्रोह को दबाते हैं और उसके बाद में उनको वापस अपने में मिला भी लेते हैं।
तो ये एक उनका विद्रोह दबाना भी होता है और मेल मिलाप भी करना होता है। ये महाराणा प्रताप की विशेषता और उनकी बहादुरी यहीं से शुरू होती है। फिर उसके बाद में 55 में जब 56 के जो राठौड़ हैं वो विद्रोह कर देते हैं, फिर 56 में वापस महाराणा प्रताप अटैक करते हैं और 56 में वापस विद्रोह दबा करके 56 राठौड़ों को भी वापस अपने अधीनता स्वीकार करा देते हैं और मेवाड़ का जो अंतर कलह है उसको समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं तो माना उदय सिंह जी मतलब 1553 ईस्वी में रणथंभौर 10 साल तक 45 से 53 तक रणथंभौर उसके कब्जे में रहता है, शेषासुरी के वंशजों के कब्जे में रहता है। तो वहां से भारमल जो किलेदार वहीं रहता है 1543 से 53 तक, तो भारमल को महाराणा उदय सिंह जी वापस क्या है कि उदय चित्तौड़ बुला लेते हैं और मेवाड़ का खजांजी नियुक्त कर देते हैं और 1,00,000 रुपए की जागीरी और हवेली उसको बख्शीश में देते हैं कि अब मेवाड़ का जो वित्तीय प्रबंध है वो भारमल कावड़िया संभालेंगे। और भारमल कावड़िया के पुत्र जो है भामाशाह उनका 50 में जन्म होता है। इस तरह से 1553 में मेवाड़ को वापस वित्तीय प्रबंध के हिसाब से भारमल को बुलाकर जिम्मेदारी सौंप देते हैं। 1554 ईस्वी में बूंदी के सुल्तान हाड़ा को बर्खास्त करके सुजन हाड़ा को महाराणा उदय सिंह जी किलेदारी सौंप देते हैं। 54 ईस्वी में प्रताप की वागड़ विजय हो जाती, 55 में 56 पर विजय कर लेते हैं। उसके बाद में जब अकबर 1559 ईस्वी में ग्वालियर पर कब्जा कर लेता है तो ग्वालियर का राजा रामशाह तंवर को मेवाड़ आ जाता है और मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह जी उसको शरण दे देते हैं। अब यहीं से अकबर के और महाराणा उदय सिंह जी के एक नए युग का सूत्रपात होता है कि अकबर जिस जिस पे कब्जा करता है, जिस पे अधिकार करता है, वो सब मेवाड़ में शरण लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ग्वालियर का रामशाह तंवर चित्तौड़ आके शरण ले लेता है। 61 में अकबर की मालवा विजय तथा अकबर के शत्रु बाज बहादुर को मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह जी शरण दे देते हैं। 62 ईस्वी में जो गौड़वाड़ की तरफ जो उपद्रव हो जाता है तो वहां फिर महाराणा प्रताप अकेले जाते हैं, उस उपद्रव को दबा देते हैं और वापस गौड़वाड़ को मेवाड़ का भाग बराबर कायम कर देते हैं। तो महाराणा प्रताप ने इंडिपेंडेंट अपने कंवर पदे में 56 राठौड़, वागड़िया चौहान और गौड़वाड़ का एरिया, इन तीनों में विजय अभियान कायम किया और शांति भी स्थापित की। उसके बाद में 62 ईस्वी में मेड़ता पर अकबर का कब्जा हो जाता है तो जयमल राठौड़ भी मेड़ता से मेवाड़ में आके शरण ले लेता है। अब अकबर का गुस्सा ज्यादा दिन दिन महाराणा उदय सिंह जी के और मेवाड़ के प्रति ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस गुस्से में और मेवाड़ सम्राट बनने दो महत्वाकांक्षा है उसकी, एक तो सम्राट बनना है और एक मेवाड़ को दबाना है। और एक चीज और है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से चली आ रही थी कि दिल्ली के सुल्तानों के जितने भी रास्ते हैं, व्यापार के मार्ग हैं, वो तीन मार्ग मेवाड़ से गुजरते थे सूरत के लिए। एक तो चित्तौड़ की तरफ से मालवा होके, एक उदयपुर की गिरवा की पहाड़ियों से और एक गौड़वाड़ के रास्ते सिरोही और आबू रोड होकर सूरत और पाटन। तो ये भी एक दिल्ली के सुल्तानों के लिए मेवाड़ के जितने भी मेवाड़ जो है रास्ते की एक बाधा बना हुआ था। तो इस प्रकार से 67 में अकबर आकर के और चित्तौड़ की घेराबंदी कर लेता है। घेराबंदी करने के बाद में वो उसके पहले क्या है कि मेवाड़ के जागीरदारों ने जो महाराणा सांगा के टाइम में हुआ कि महाराणा सांगा के घायल होते ही पूरी सेना बिखर गई थी, तो वो अकबर को मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जागीरदारों ने तय किया कि मेवाड़ का राज परिवार और जागीरदारों की जो युवा लड़के हैं वो सब का सब यहां से चित्तौड़ से बाहर निकल जाए जंगलों में, ताकि क्या है
कि हम यहाँ मरेंगे लड़ेंगे और ये बचेंगे तो मेवाड़ के युद्ध को आगे जारी रखेंगे। इसलिए मेवाड़ के पूरे राज परिवार को, मेवाड़ के जागीरदारों के युवा बच्चों को और मेवाड़ के और भी अन्य जाति के जितने भी साथ थे, उन युवा पूरी युवा टीम को मेवाड़ से जंगलों में धकेल दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। जब मेवाड़ ने अकबर ने 4 महीने तक घेराबंदी की, तो घेराबंदी के बाद में जब सफलता नहीं मिल रही थी तो अकबर ने एक प्रस्ताव भेजा था, संधि प्रस्ताव। तो मेवाड़ के जागीरदारों ने उस पहली बार जो अकबर का संधि प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट किया और उसको ये कहा कि मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा और इस शर्त पे कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर अकबर चाहता है मेवाड़ से समझौता करना तो मित्रवत समझौता हो सकता है, और मित्रवत समझौता होगा तो उसको मार्ग की जो बाधा है वो भी दूर की जा सकती है, वरना अधीनता किसी कीमत पे स्वीकार नहीं हो जाए, नहीं की जाएगी। ये मेवाड़ के जागीरदारों ने तय किया और अकबर को संदेश दिया। फिर अकबर मान गया कि अब ये मानने वाला नहीं है, फिर उसने जो वहां मोर मंगरी बनवाई, उसने जो किले की मोर्चा बंदी करके आक्रमण किया, फिर जौहर करना पड़ा, फिर जौहर के बाद में उसने कत्लेआम किया, ये सब कुछ किया। तो उसको चित्तौड़ तो किला मिल गया परंतु उसको मेवाड़ जीतने की सफलता नहीं मिली। उसके बाद में वो वापस मेवाड़ से समझौता किया बिना खाली हाथ जाता है। अब मैं आता हूं उसके बाद में के जोहर के बाद में फरवरी 29 में अकबर ने महाराणा उदय सिंह से दूसरे संत रणथंभौर पर भी आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो 68 में चित्तौड़ पे अधिकार किया, 69 में रणथंभौर पे अधिकार किया और 21 मार्च 69 ईस्वी को सुरजनहाड़ा ने, जो महाराणा उदय सिंह जी का किलेदार था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 70 में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा गोकुंडा में नई राजधानी बनाई। 70 में जोधपुर और बीकानेर पर अकबर का अधिकार हो गया। 71 में अकबर ने सिरोही पर अधिकार कर लिया और 71 में अकबर का नागौर में दरबार लगा। उसमें मारवाड़ के चंद्रसेन ने, जो उदय सिंह जी का दामाद था, उसने विद्रोह किया। राव चंद्रसेन ने विद्रोह किया और भारमल के साथ में महाराणा उदय सिंह जी के पास में अकबर ने एक संधि प्रस्ताव भेजा। तो उस टाइम में भी वापस 71 में जो महाराणा उदय सिंह जी के पास में अकबर ने भारमल के साथ में संधि प्रस्ताव भेजा, उसमें भी महाराणा उदय सिंह जी ने कहा कि शर्तें वही रहेगी जो जागीरदारों ने तय की है कि मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो उन्होंने वो संधि प्रस्ताव भी रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में 72 में महाराणा उदय सिंह जी का देहावसान हो जाता है। महाराणा उदय सिंह जी के देहावसान के बाद में परिस्थितियां ये होती है कि अकबर को जब पता लगता है तो वो देखता है कि अब मौका अच्छा है। तो 72 में जो राजतिलक होता है, महाराणा प्रताप सबसे पहले अकबर को संदेश देने के लिए गोगुंदा से अपनी सैन्य टुकड़ी लेके निकलते हैं और मंदसौर की तरफ पे अटैक करते हैं मुगल चौकियों पे और उनको तहस नहस करते हैं, उनको लूटते हैं और अकबर को संदेश देते हैं कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह चला गया पर महाराणा प्रताप जिंदा है और मेवाड़ पे तुम कभी अधिकार नहीं कर सकते हो। ये पहला संदेश आगे चल के उन संधियों के खिलाफ महाराणा प्रताप देते हैं। उसके बाद में अकबर को लगता है कि ठीक है, मैं इसको मान सिंह को और भगवंत दास को भेजूंगा और ये लोग क्या है कि महाराणा प्रताप को समझाएंगे। इस तरह से जलाल खान कोर्ची के साथ में वो 72 में पहला संधि प्रस्ताव भेजता है। फिर अप्रैल 73 में कुंवर मान सिंह को भेजता है। फिर उसके बाद में सितंबर में भगवंत दास को भेजता है। फिर उसके बाद में नवंबर दिसंबर में 73 में टोडरमल को भेजता है। और महाराणा प्रताप ने भी वही कहा कि जो मित्रवत संधि तो हो सकती है वरना मेवाड़ कभी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद में युद्ध निश्चित हो जाता है। जब हल्दीघाटी के युद्ध के लिए मानसिंह
अप्रैल में अजमेर से चलता है तो मांडल में आकर के अपना कैंप कर देता है और वो यही देखता है कि कम से कम मेवाड़ के लोग सेना लेकर के और खुले मैदान में आए और हम यहाँ युद्ध लड़े। परंतु राम शाह तंवर जो है उनका सुझाव था कि नहीं, हमें मैदानी भाग में नहीं लड़ना है, हमें मुगलों को इन पहाड़ों में ही बुलाना है और यही युद्ध करना है। मजबूरन 2 महीने बाद में हल्दीघाटी का युद्ध होता है। तो हल्दीघाटी युद्ध के एक दिन पहले शाम को मान सिंह जब सर्वे के लिए निकलता है तो वहां 1000 सैनिकों के साथ में कि कल का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, महाराणा प्रताप और जालामान और हकीम खां सूर भी उसी एरिया में होते हैं और वो कम से कम दूरी पर ऐसे होते हैं कि महाराणा प्रताप और ये सब तो देख लेते हैं पर मानसिंह को पता नहीं होता है कि मेवाड़ की फौज यहाँ है। हेलो हेलो, समय तो नहीं हुआ अभी? हाँ जी सर, बोलो। सर समय की थोड़ी मर्यादा है तो आप, आपसे हाँ, निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपना व्याख्यान समाप्त कर दें। तो हाँ, ध्यानवर्धक है पर समय की सीमा है। ठीक है, तो मैं ऐसा है कि अब हल्दीघाटी के युद्ध के विषय में भी बात बताई दी है तो मैं महाराणा प्रताप महान क्यों है इस पे मैंने 4-5 मिनट में बात समाप्त कर देता हूं। महाराणा प्रताप महान क्यों और उनकी महानता के कारण क्या है? जस वर्णन होवे न जठे वा धरती मर जाए, संत सती और सूरमा ए ओझल वे जाए, मेघपाट मेवाड़ के राज प्रबंधन का नीति सूत्र, जो दृढ़ रखे धर्म को ताही राखे करतार। यहाँ धर्म का आशय सत्य न्याय मानव कल्याण और सृष्टि के संरक्षण एवं उसके संवर्धन में निहित है। सत्य जिसे हम अंग्रेजी भाषा में यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं उससे समझने की आवश्यकता है। देश काल और परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती है लेकिन सृष्टि का सत्य हर स्थिति में एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है कि सत्य की विजय होती है लेकिन पुरुषार्थ से ही सफलता मिलती है। सत्यमेव जयते न असत्यम, मेवाड़ राज के वंशज आर्य श्रेष्ठ रघुवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज होने के कारण कल्याणकारी नीति का पालन सदैव करते रहे हैं लेकिन जब देश और मानव समाज पर बाहरी आक्रांताओं द्वारा संकट खड़ा कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति में देश संस्कृति मानव समाज और व्यक्तिगत रक्षा हेतु आपदकाल में जिस सनातन नीति का समय समय पर पालन किया जाता रहा है उसका उल्लेख हमारे सनातन शास्त्रों में मिलता है। अहिंसा धर्मो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो इसलिए क्या है कि महाराणा प्रताप ने हमेशा नैतिकता के साथ में युद्ध किया और कहीं भी अपने जीवन में अशिष्ट व्यवहार नहीं किया। इसलिए मैं अपनी बात यही समय के अभाव में यही समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रताप सिंह यादव सर, आपका जो व्याख्यान है बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ऑनरेबल वाइस चांसलर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर को सादर आमंत्रित करती हूँ और उससे पहले मैं उनका एक ब्रीफ परिचय देना चाहूंगी। सर की क्वालिफिकेशन बीई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एमटेक इन एनर्जी स्टडीज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड पीएचडी फ्रॉम फार्म इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग। आपको 38 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और जब से आप कुलपति हैं और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के, आपके कुशल मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और इसके साथ आपके जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इंटरनेशनल ट्रेनिंग, ऐसे काफ़ी सारे एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी एग्री फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं। आपको कई सारे अवार्ड्स एंड फेलोशिप मिली है जैसे कि यंग साइंटिस्ट आउटस्टैंडिंग बुक अवार्ड, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज और आपका काफ़ी सारे आप रिसर्च पेपर्स रहते हैं, लिखते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी आपका काम रहता है, आपको बेस्ट टीचर्स और कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी विजिट लगभग 13 इंटरनेशनल कंट्रीज में हुई है जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कैनिया, यूके, सिंगापुर, कुवैत, तंजानिया, थाईलैंड, ताइवान, कतार, नाम्बिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। आपने कई सारे इंटरनेशनल ट्रेनिंग और नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं,
कई सारे समर और विंटर स्कूल्स आपके आपके मार्गदर्शन में होते रहते हैं और आप कम से कम 50 R&D प्रोजेक्ट्स हैंडल कर चुके हैं और काफी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। आपकी जो बेसिक इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है और रिसर्च में है और काफी शोधार्थियों को 31 M.Tech, 16 PhD और 13 M.Sc. थेसिस में भी आपने उनको मार्गदर्शन दिया है और इसी के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपके वक्तव्य के लिए। थैंक यू मैडम बिंदिया। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस प्रोफेसर आशा शुक्ला जी एंड ऑल एमिनेंट स्पीकर्स, आई वॉज गोइंग थ्रू विद देयर व्यूज एंड आई एम रियली एलिवेटेड टू सी दैट नंबर ऑफ अवर गुड स्पीकर हैज गिवन ए नंबर ऑफ ए गुड इंफॉर्मेशन विच वी वर रियली लेगिंग एंड समबडी हैज इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज ए Vice Chancellor of a Maharana Pratap University. So that is a really added value to my candidature as well under this particular webinar. So I am really happy to see the views of Major General Mr. Chaturvedi Saab. Of course, Professor Ravindra, I have listened him second time and I am really elevated to see him and his the way of expression and each and everything is so impressive. एंड आवर श्रीमाली साहब जो कि हमारे मेवाड़ से ही हैं और जिन्होंने जो इसको पूरा संग्रहित कर रहे हैं उनका भी व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा था, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रताप सिंह जी झाला साहब ने तो पूरा व्याख्यान जो दिया है और तलावदा ठिकाना एक बहुत बड़ा ठिकाना है और उनके उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसका विश्लेषण किया है तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। श्रीमान ललित नारायण सिंह जी भी एक सम्माननीय हैं, उन्होंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। मैं हिस्ट्री का नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि कई बार बोलने से भी कई दिक्कत हो जाती है। मेरे को मालूम है 3 साल पहले मैं जब मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एडिशनल पोस्ट मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब मैं वहाँ वर्क कर रहा था तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने भी कहीं से पढ़ा था कि महाराणा प्रताप वाकई में देखा जाए तो महाराणा प्रताप योद्धा तो है ही और उनकी योग्यता भी है और उनकी जो 4 क्वालिटी है जिनको मैं अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, वो 4 क्वालिटी जो है वो सबसे पहली क्वालिटी एबिलिटी यानी कि उनकी योग्यता, उसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं कर सकता है। और दूसरा उनका बोल्डनेस साहस जो उसको भी बड़े शब्दों में सबने बताया गया और उनका कमिटमेंट उनकी प्रतिबद्धता कि साहब हमें जीतना है मेवाड़ को स्वतंत्र रखना है और उनका डेडिकेशन निष्ठा। मगर कई बार जब हम बात करते हैं कि साहब उनका कद 7 फीट 5 इंच था तो मैंने भी मेरे को याद है कि मैंने भी उसमें क्योंकि मैंने महाराणा प्रताप को देखा नहीं केवल फोटोग्राफ में देखा, एक प्रातः स्मरणीय है मारवाड़ से आए हुए हम मेवाड़ में बस गए हैं आके और मेवाड़ में मैंने देखा कि जितने भी मेवाड़ के पुराने घर हैं जो कि ओरिजिनल मेवाड़ के व्यक्ति हैं उनके घर में सब जगह महाराणा प्रताप का एक फोटो जरूर मिलेगा और वाकई में ये प्रातः स्मरणीय है, इसमें कोई दोहराए नहीं। हर सीनियर सिटीजन जो मैंने देखा, आजकल के जवान बच्चे तो हो सकता है ये नहीं करते हो, मगर जितने भी मैंने मेवाड़ के घर वालों को देखा है वो भले राजपूत समाज के हैं या महाजन समाज के हैं या ब्राह्मण समाज के हैं, मैं ये ब्राह्मण समाज को भी कहना चाहूँगा और हमारे आदिवासी भाई बंध भी जब हम ट्राइबल में जाते हैं क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी का एरिया है पूरे ट्राइबल एरिया में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम काफ़ी काम कराते हैं तो मैं देखता हूँ कि घरों में लोग बागों ने अपने घरों में महाराणा प्रताप का एक फोटो जरूर लगाया रखते हैं और उस फोटो के नीचे लिखा रहता प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप। और ये सर्वविदित है, अगर किसी को ऐसे योद्धा को सवेरे सवेरे याद करके अगर हम अपने दिनचर्या शुरू करते हैं तो हमें निश्चय हमें सफलता मिलती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हिस्ट्री में भी फेर बदल कर दिया जाता है। अब जिस हमारे संग्रहालय देखते हैं हम उदयपुर का संग्रहालय, उसमें ये सही है कि उनका 110 किलो वजन था मगर उनका जो भाला और उनके कवच वो सब लेके जो चलते थे वो 210 किलो का था,
इस तरह का वहां वर्णन किया गया। उनका जो जब हम बताते हैं कि उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता ये थी कि साहब वो एक योद्धा थे और निपुण योद्धा थे। एक फोटो भी वहां लगा हुआ हमारे महाराणा प्रताप का कि उन्होंने एक ही वार से सैनिक को और घोड़े समेत उसको उनको खत्म काट देते थे। इतने बड़े योद्धा और इस उनकी जो बोल्डनेस थी और उनका साहस था उसके बारे में तो ये भी कहते हैं कि मेरे को याद है मैं खुद भी 1986 में जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ट्यूशन में गया था पीजी डिप्लोमा कोर्स का अटेंड करने, तब मेरे को वहां पर जो हमारे डॉक्टर पीटर फॉलियट थे और उनको क्योंकि उस समय था इस तरह का रिवाज था कि साहब यूएसए जाओ तो किसी वैज्ञानिक के पास जा रहे हो या किसी से तो उनको कोई ना कोई आप अपने इलाके की गिफ्ट दें। तो मैं महाराणा प्रताप जी की फोटो लेके गया था और मैंने उनको दिया। मैंने तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप डॉक्टर राठौड़ यू आर फ्रॉम दैट प्लेस सो ही बेसिकली हैज ऑल टुगेदर ही हैज चेंज हिज ऑल गेटअप। एंड उसके बाद मैंने उनको देखा कि उनका मेरे प्रति एक बहुत ही अच्छा तरह से सद्भावना पूर्वक मेरे को वो ट्रीट करते थे। और जब फाइनली वैसे वो जो ट्रेनिंग थी, मैं ये इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप कितने प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तान में ही नहीं, मेवाड़ में नहीं, गुजरात में ही नहीं, एमपी में ही नहीं, मगर पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध थे। डॉक्टर पीटर फॉलियट जो कि एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे हमारे बायो एनर्जी फील्ड के, और उन्होंने मेरे को जब फाइनल पीजी डिप्लोमा कोर्स का जब मेरा प्रेजेंटेशन था तो उन्होंने कहा कि आपका प्रेजेंटेशन आपने एकेडमिक वर्क में टेक्निकल चीज तो दे दी है मगर अब आप ये बताइए महाराणा प्रताप के बारे में। तो मेरे को बड़ा खुशी हुई थी, मेरे को इतना अच्छा लगा था। और उस समय जहाँ पर आजकल शायद प्रताप सिंह जी झाला साहब हमारे उसी पद पे विराजमान है, पहले एक राणावत साहब हुआ करते थे, उनसे मैंने काफी चीज शेयर करी थी। उन्होंने भी मेरे को बताते थे हिस्ट्री पढ़ने का शौक था क्योंकि जनरली जब हम उदयपुर में और मेवाड़ में रहते हैं कई व्यक्ति जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो वो यही पूछते हैं कि साहब क्या था क्या नहीं था। मेरे को उस समय मालूम पड़ा था और पता नहीं ये वास्तविकता है कि नहीं है क्योंकि कई बार कई चीजें अपन बोल देते हम तो किताबों से पढ़ के ही बोलते हैं, हमने तो कुछ देखा नहीं है, मगर ऐसा बताते हैं कि बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए में भी एक ये चीज लिखी गई है कि जब इब्राहिम लिंकन पहली बार भारत दौरे पर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि हिंदुस्तान जा रहा हूँ मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, तब उसकी माँ ने उनको जवाब दिया था कि उस महान देश की उस वीर भूमि हल्दीघाटी से एक मुट्ठी भर धूल लेके आ जाना और जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार है कि वो अपने आधे हिंदुस्तान को भी के बदले अपनी मातृभाषा को चुना। और मगर बाद में बताते हैं कि शायद वो यात्रा नहीं हो पाई थी, किसी कारण से वो रद्द हो गया था। तो ये बेसिकली चीज बताता है उनकी एबिलिटी को, उनकी योग्यता को, उनके बोल्डनेस को, उनके साहस को, और उनका कमिटमेंट तो एक ही था। मैं यहाँ सबको ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब ये कहा कि मेरे को 50% हिंदुस्तान भी नहीं चाहिए, मगर मैं कभी भी ये नहीं मानूंगा कि महाराणा मतलब अकबर जो है वो हमारे हम उनके अधीन रहेंगे। तो ये जो चीजें कही थी वो वाकई में एक अपीलिंग है और ये बताती है कि हमें उनकी क्वालिटी देखनी चाहिए और उनकी क्वालिटी को हम अपने किस तरह से हम अपनी दिनचर्या में किस तरह से आर्टिकुलेट करें। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूंगा, हमने भी आज सवेरे क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है और हमारी यूनिवर्सिटी में एक हमने एक प्रताप के अनुसंधान का भी काम किया है, मगर हमारा जो वर्क है कि महाराणा प्रताप का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या अच्छा काम किया गया है, क्योंकि पहाड़ियों पे खेतीबाड़ी करना जो जूम कल्टीवेशन है ये महाराणा प्रताप की देन थी। और हमारे मेवाड़ में पानी की कमी थी, गोठवाड़ में तो फिर भी थोड़ा पानी था, मेवाड़ में कम था पानी, मारवाड़ में तो और भी कम था, मगर किस तरीके से पानी का संग्रह किया जाए और उसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छा शोध भी किया हुआ है। मैं बिंदिया मैडम को कहना चाहूंगा कि फ्यूचर में अगर आप कोई अब स्पेशलाइज इस तरह की क्वालिटी को देखते हुए कुछ ऐसे वेबिनार किए जाए कि महाराणा प्रताप का कृषि में क्या योगदान रहा, पशुपालन में क्या योगदान रहा, वाटर कंजर्वेशन में क्या योगदान रहा। और मैं अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, वैसे तो आजकल भले वो एमपी हो या दिल्ली हो या हमारे 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है, सब जगह के स्टूडेंट जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैं अगर कोई ये कहता हो कि साहब हमारे यहाँ के स्टूडेंट अच्छे हैं, मैं इस चीज को विश्वास नहीं करता। मैं अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को जब भी मौका मिलता है मैं ये कहता हूँ कि महाराणा प्रताप से 5 क्वालिटी आप सीखें। पहली क्वालिटी है मेंटल फोकस, यानी कि कंसंट्रेशन। आप ये देखें कि उनका कंसेंट्रेशन एक ही था कि साहब हमें स्वतंत्र रहना है, हमें किसी भी तरीके से उनके अधीन नहीं रहना है। और उसके लिए उन्होंने बताते हैं कि साहब 27-28 साल तक तो वो जंगलों में ही रहे
मेरे सॉरी मेरे को जहां तक याद है 20 साल तक सर, शायद 20 साल वो प्रताप सिंह जी झाला साहब शायद बता पाएंगे कि उन्होंने महलों को छोड़कर, जबकि लास्ट में बताते हैं कि 85% मेवाड़ उन्होंने फिर से भी जीत लिया था, और सोना चांदी और महलों को छोड़ते हुए भी उन्होंने 20 साल जंगलों में घूमे, तो एक बहुत बड़ी चीज थी कि उनका बस एक फिक्स था दिमाग में, एक ही चीज थी उनका मेंटल फोकस जो था कि मैं किसी भी तरह से मेवाड़ को स्वतंत्र कराऊं। ये क्वालिटी है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी कार्य करें हमारा फोकस फिक्स रहना चाहिए। दूसरी उनकी फिजिकल एनर्जी, उसके ऊपर काफी व्याख्यान दिया गया है, प्रोफेसर रविंद्र जी ने भी बताया था कि किस तरह से उनका कवच है और कितना वजन है, और ये सब जगह है, आप किसी भी संग्रहालय में जाएंगे तो आप देखेंगे। तो फिजिकल एनर्जी के केस में भी ये बताया जाता है कि अगर व्यक्ति अपने अपनी क्षमता को सही तरह से, शक्ति को सही तरह से संग्रहित करके रखे, तो निश्चय ही उसको फिर कंसंट्रेशन बनती है और वो फिर अपनी एबिलिटी को आगे बढ़ा सकता है। अगर उसमें फिजिकली अगर वो वीक है तो मेरे अंदाज से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए महाराणा प्रताप की जो दूसरी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि फिजिकल एनर्जी, और वो जंगलों में जब ये बताते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उससे मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कौन हारा था और कौन जीता था, मगर एक बार पीछे हटे थे महाराणा प्रताप और उनको भामाशाह मिले और उन्होंने भामाशाह ने पुनः उनको संग्रहित किया, और उसके बाद वो पुनः वो उन्होंने अपने आप को वापिस प्रदर्शित किया, तो वो सारा उनका फिजिकल एनर्जी का ही एक देन थी कि उसके कारण वापिस वो संग्रहित होकर आगे बढ़ पाए। और पर्सनल विल पावर का किसी एक पूर्व में भी किसी ने बताया था हमारे सम्माननीय स्पीकर ने कि उनकी पर्सनल विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी और उन्होंने कभी भी किसी भी चीज में समझौता नहीं किया। जब उनका कहते हैं नाना सो अमरियो और चीख पड़ियो, जब वो घास की रोटी खा रहा था और उसको भी जंगली बुलाव लेके चला गया, उस समय भी उन्होंने थोड़ा सा बदले थे मगर तभी उनके सामने भामाशाह उपस्थित हो गए। तो उनकी जो पर्सनल विल पावर है उसको वी शुड अप्रिशिएट, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो कितने बड़े कष्ट आ जाए हम उसको पूर्ण सही तरह से उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और ओरिजिनल टैलेंट आप, क्योंकि उनका जन्म जहाँ हुआ था और हमारे और उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग थी पहाड़ियों पर रहना और ये करना, तो उनका ओरिजिनल टैलेंट उन्होंने बरकरार रखा और इसी कारण से वो 85% मेवाड़ को पुनः जीत पाए। तो ओरिजिनल टैलेंट हमें से बरकरार रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है उसको हम अपने पास कर लें और हमारे सारी चीजें, हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है, टैलेंट है, वो हम भूल जाएं। तो हमारा वो मेरा मैं एक बहुत बड़ी क्वालिटी मानता हूँ महाराणा प्रताप की। और डेली टाइम ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से उनके मन में ये था, और वो हिस्ट्री के ज्ञाता हो सकते हैं मेरी बात को नहीं माने, मगर जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें ये था कि वो डेली आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते थे, सवेरे 4 बजे उठते थे, और वो इसलिए करते थे क्योंकि सूर्यवंशी थे और उनको बेसिकली ये बताया गया था कि सेनापति ज्यादा इंपॉर्टेंट होता सेना के, क्योंकि कौरव ने जब सेना मांगी थी हमारे भगवान कृष्ण से, उसी समय डिसाइड हो गया था कि साहब पांडव ही जीतेंगे क्योंकि उनका सेनापति उनके साथ था। तो वो महाराणा प्रताप भी ये मानते थे कि अगर मैंने जरा सा भी कंप्रोमाइज किया मुस्लिम के साथ तो हो सकता है हमारा पुराना महाराण जो पुराना मेवाड़ है वो पूरा का पूरा अदृश्य हो जाएगा। और इसलिए वो डेली कुछ ना कुछ समय देते थे, डेली टाइम, और वो किसके लिए देते थे कि खुद को तैयार करने के लिए और अपने आप को हमेशा व्यवस्थित करने के लिए, और कब और इस तरीके से बातें करते थे कि हम विजय रहेंगे। तो ये जो चीजें थी उसको हमें आकलन करना चाहिए, तो सही तरह का जो होमेज देना है, अगर हम आज ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उनकी 425वीं पुण्यतिथि पे, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे छात्रों को और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटी के हों या जनरल मासेस के हों, उन सबको इनकी जो 5 क्वालिटी है, मेंटल फोकस, फिजिकल एनर्जी, पर्सनल विल पावर, ओरिजिनल टैलेंट एंड डेली टाइम, ये चीजें हैं 5 की 5 हमें ज्यादा से ज्यादा बतानी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि साहब नो बॉडी इज रिच एनफ टू परचेज हिज पास्ट, ऐसा हम अब जो हुआ है जो हो चुका है उसको हम केवल एक संग्रहित करके और उसी के ऊपर हम ये मनन कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि फ्यूचर इज नथिंग बट इट इज नॉट ए प्लानिंग फॉर ए टुमारो बट इट इज अ रिजल्ट व्हाट यू आर डूइंग टुडे। तो आज आपने जो वेबिनार किया है, मैं मैडम बिंदिया को और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया
और इसकी जो प्रोसीडिंग है उसको अपन इन्हें पास हिस्ट्री में ना जावे कि साहब कितना क्या हुआ, क्योंकि कई बार कई ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं, मैंने देखा कि जब मैंने उनको कह दिया था कि साहब वो 7 फीट 5 इंच के हैं, तो 3-4 दिन तक राजस्थान पत्रिका में और दूसरे दैनिक भास्कर और कई लीडिंग न्यूज पेपर में आता रहा कि साहब इनको नहीं मालूम है और उनका तो कद छोटा था। अब इसने देखा महाराणा प्रताप को, मगर हमने तो केवल महाराणा प्रताप को सुना है, महाराणा प्रताप को पढ़ा है, पर हमने महाराणा प्रताप को देखा नहीं है। तो हम हमारी हिस्ट्री में ना जाके हम ये देखें कि उनकी क्या क्या क्वालिटी है, उसको हम किस तरह से अपने में उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं। मेरे अंदाज से ही आज के लिए उनकी पुण्यतिथि पे सही तरह की श्रद्धांजलि रहेगी। मेरे को आज आपने बुलाया, मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं हमेशा एलिवेटेड फील करता हूं कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में रहूं, वहां का वाइस चांसलर के पद पे विराजमान हूँ, जिस यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप के नाम से है, और जहां भी हम जाते हैं किसी भी विश्व के किसी भी कोने पे, हर व्यक्ति हमें एक अच्छी सम्मानीय नजरों से देखता है और हमें भी उसमें हमें फक्र महसूस होता है कि हम वाकई में एक अच्छी स्थान विशेष से संबंधित हैं। और मैं आपने सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, और वाकई में मेरे को भी आज काफी नॉलेज का जनरेट हुआ, और मैंने भी सुना कई अच्छे व्यक्तियों का सुना सबका। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके ज्ञान से मेरे भी ज्ञानवर्धन हुआ है, और हम भी महाराणा प्रताप के एग्रीकल्चर में क्या योगदान है इसके ऊपर हम शोध कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम कुछ पेपर भी हमने पब्लिश किए हैं अच्छे, और आगे फ्यूचर में भी हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। मेरे को मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। आप इतने सहज और सरल हैं और इतने कम समय में आप हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति मैडम को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अनमोल वचन हमें प्रदान करें। आप सभी ने ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर राठौर जी को सुनी थी, और उससे पहले रवींद्र शर्मा जी को मैं शायद दूसरी या तीसरी बार सुन रही हूँ, सुनने का मौका मिला। मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी हमारे विश्वविद्यालय के CICT प्रोग्राम करना प्रमुख भूमिकाओं में रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। ललित नारायण सिंह जी से आज हमने कितनी चीजें करी, और मैं ये मुझे थोड़ा विचार करने का विषय है। और हल्दी घाटी से ही आए डॉक्टर मोहनलाल श्रीमालजी जी और प्रताप सिंह बालाजी जो उदयपुर से हैं, साथ में हमारे विश्वविद्यालय परिवार प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो स्वागत वक्तव्य दे रहे थे। आज जो हम इस विशेष विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए, उसका मौका भी था कि R425वीं डेथ एनिवर्सरी है वीर पुत्र महाराणा प्रताप जी की, वो गर्व भी था, और दूसरे कहीं ना कहीं हम सब अपने देश के युवाओं में, शोधार्थियों में, विद्यार्थियों में, समाज में पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ महाराणा प्रताप जैसे वीर की वीरता को, उनके साहस को, उनकी निर्भीकता को, नेत से ऊपर राष्ट्र प्रेम को, ये सारे जवाबदेही और जिम्मेदारियों को, नैतिक मूल्यों को इनकल्केट करता हुआ देना चाहते हैं, उसकी प्रमुख भूमिकाओं में खुद भी उपस्थित होना चाहते हैं। पाठ्यक्रमों में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, इतिहास में बहुत सारे
लेकिन जब मैं ऐसे सब विषयों को सुनती हूं, समझने की कोशिश करती हूं, जैसे इस समय एक और हमारे यहाँ बड़ा कार्यक्रम चल रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कार्यक्रम 75 चल रहे हैं, जिसमें आज सुबह ही हमने 34वां कार्यक्रम किया है जो सुभाष चंद्र बोस जी पे केंद्रित था। जब आजादी के दीवानों का, जिन्होंने अपने और अपने परिवार से ऊपर अपनी जमीन को, अपनी को, रहित को, चिंता को इतना सर्वोपरि माना कि उन्हें किसी के बलिदान को करने में क्षण मात्र सोचना नहीं पड़ा, और उस अद्वितीय बलिदान, उस अद्वितीय देशभक्ति की जो पराकाष्ठा थी उसमें उनका कौशल भी समाहित था। उन्हें उस मिट्टी से जो संस्कार मिले थे, जो निर्भीकता मिली थी, वो साहस भी समाहित था। उनके माता पिता के प्रदत्त संस्कार भी थे और ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थिति। तो इतिहास में बाबा कि इतिहास में संशोधन, परिमार्जन, पुनर्लेखन की आवश्यकता है। जो लिखा गया अद्भुत, जो छूट गया वो जोड़ा जाए, लेकिन जो कुछ जोड़ा जाए वो तथ्यगत दृष्टि से जोड़ा जाए, दस्तावेजों के हवाले से जोड़ा जाए, और उसमें एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए कि हम जो भविष्य को इतिहास सौंपें, उस इतिहास में लगभग, मैं 100% की बात नहीं कहती, लगभग सही तथ्य होने चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जब पहला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ चौरी चौरा पुनरावलोकन, उस पहले ही कार्यक्रम ने एकदम से रोंगटे खड़े किए कि ये बातें तो लिखी नहीं गई हैं, ऐसे तो कहा ही नहीं गया है। मैं स्वयं महिला मुद्दों पे कुछ काम करने की कोशिश करती हूं। मैं इस बात को एक शोधार्थी के नाते पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी कि आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समाज के लिए, कानूनों में बदलाव के लिए भारतीय नारियों ने जो संघर्ष किया वो निजी से ज्यादा सामूहिक भी था। उचित दस्तावेजीकरण हुआ है या नहीं, इस सब को हम सबको सोचना चाहिए। मुझे लगता है उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। महाराणा प्रताप, हल्दीघाटी, इन सारी चीजों को कनेक्टिविटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है।
ना वो जब विद्या को बोलिए कि ऐड करेगी। हाँ मैम फोन किया। हाँ आप ऐड हो चुके हैं। ऐड हो चुके हैं। बीच में कनेक्टिविटी चली। कोई कनेक्टिविटी मजबूर कर सकती कि मुझे बात से रोके, मुझे चाहे एक फोन करके इन कहता मैं कहती जरूर क्योंकि विषय इतना प्रमुख है। तो अगर वीर सावरकर सेलुलर जेल का आप दर्शन करने जाएं तो देखें और को समझें तो इतना गंभीर सेहरन दिमाग में आती है, ऐसी अंतर मस्तक प्राप्त हुई है। महाताप चेत हल्दी घाटी कौन भूल सकता है, कौन विस्मृत कर सकता है। लेकिन इसको बार बार बताया जाना चाहिए, उनके युद्ध कौशल को समझाया जाना चाहिए। मेजर चतुर्वेदी उस चीज की बारीकियों को बहुत अच्छे से बताते हैं और इतिहास में ये चीज बार बार कही जानी चाहिए। फिर आ रहा है कि मैं बड़ी जल्दी डिस्कनेक्ट होने वाली हूँ, इसलिए अपनी बात को यहीं रोकूंगी। डॉक्टर मिंदिया को बहुत साधुवाद दूंगी कि बहुत अच्छा काम कर और अपनी दूंगी आप। आदरणीय मैडम की शायद कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स मैं सभी को वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं हमारे माननीय कुलपति जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमें ये कार्यक्रम आयोजन करने का मौका मिला। पहले तो मैं हमारे कुलपति की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये हमें इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमें बहुत उत्साहित करते रहते हैं और उनके कुशल मार्गदर्शन उनके निर्देश में हम ये काम कर पाते हैं। और उसके साथ मैं आज के जो को चेयर हैं वेबिनार के डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ सर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि सर आप इतने सहज और सरल हैं, इतने कम समय में हमारा निवेदन स्वीकार करते हैं। और आज आप वाइस चांसलर हैं, आपकी बहुत व्यस्तता रहती होगी लेकिन फिर भी आपने हमें इतना मौका दिया और साथ में जो आपने अलग अलग एबिलिटीज बताई, 5 एबिलिटीज बताई, बहुत सारे क्वालिटीज बताई जिससे कि हमारे छात्र शोधार्थी फैकल्टी उन सबको अनुसरण करे तो उनके जीवन में भी काफी सारे परिवर्तन हो पाएंगे, इसलिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और उसके साथ मैं हमारे कार्यक्रम के बीच वक्ता प्रोफेसर रविंद्र कुमार शर्मा सर, प्रोफेसर इन हैट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, महाराणा प्रताप चेयर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, का भी मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। सर से मैं कई बार निर्देश और मार्गदर्शन लेती रहती हूँ कि सर और कैसे कर सकते हैं, क्या शोध कार्य कर सकते हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम को और कर सकते हैं, तो सर का भी कुशल मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है।
और सर ने जो आज के व्याख्यान में बताया कि महाराणा प्रताप फियरलेस, तो फियरलेस है क्योंकि उनके अंदर जो चीज है वो है सत्य है, और सत्य को लेके जो उनकी जो इनिशिएटिव है, उनके पूर्वजों से जो उन्होंने सीख रखा है, और इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो फेर बदल हुई है, लेकिन हमें कैसे भी अगर उसका संशोधन पाठ्यक्रमों में हो जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। और उसके साथ में मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, सर आपका मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आपने भी बहुत एकदम इंस्टेंट मतलब हमारा निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो बताया कि हमें हमारा हेरिटेज, बेसिकली हेरिटेज कैसे हमें प्रिजर्व करना है और हमें हिस्ट्री को कैसे करना है, महाराणा प्रताप हमारे लिए एक प्राइड है, ना कि मेवाड़ के लिए, पूरे राष्ट्रीय और विश्व के लिए प्राइड है। और आपने जो डिफरेंट बैटल स्ट्रैटेजीज बताई, आप क्योंकि खुद मिलिट्री के जनरल हैं और आपको पता है किस तरह से एनिमी की स्ट्रेंथ को कम किया जाता है, कैसे अपने आप को डिफेंड किया जाता है, कैसे हम सामने वाले मिलिट्री फोर्सेस से लड़ सकते हैं। तो आपने जो इतने सारे बहुत ही बारीकी से जितने भी तथ्य बताए, हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक सभी को लगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आगे श्री ललित सिंह नारायण, ललित सिंह साधु सर जो कि आईएएस हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आपने बहुत ही कम समय में इतना अच्छा ज्ञानवर्धक स्पीच दिया, जिसमें आप महाराणा प्रताप की लीडरशिप और उसके बाद आपने उनकी जो बैटल स्ट्रैटेजी, उनकी जो इंस्पिरेशनल्स है, जो वो देश पूरे मेवाड़ के लिए और सभी के लिए हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत साधुवाद प्रकट करती हूँ। और उसके बाद मैं डॉक्टर मोहन लाल श्रीमाली जो कि डायरेक्टर हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दीघाटी से, मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि सर के कुशल मार्गदर्शन में इतना बड़ा हल्दीघाटी, जो इतनी ऐतिहासिक भूमि है, इतनी पावन भूमि है, और उन्होंने किस तरह से संग्रहालय को एक बहुत ही जीवंत रूप दे रखा है, और उन्होंने अपना जो व्याख्यान दिया और इतने सारे फैक्ट्स और नॉलेज हमें बताए, हम सभी बहुत बहुत ज्ञानवर्धक रहे उस चीज़ों से। और उसके साथ मैं आदरणीय प्रताप सिंह झाला सर, प्रताप सोच प्रतिष्ठान भोपाल, नोबेल यूनिवर्सिटी उदयपुर का भी सादर आभार प्रकट करती हूँ। सर आपने इतने हिस्टोरिकल एविडेंस दिए जो हमें बिल्कुल पता नहीं थे, आपने पूरे दो तीन जनरेशन्स के बहुत सारे ऐसे फैक्ट और फिगर्स बताए, जिससे कि हमें पता चला कि उनके पूर्वज से लेके महाराणा प्रताप के अंदर इस तरह के गुण कैसे आए, उन्होंने मेवाड़ को कैसे सुरक्षित रखा, कितने सारे संधि प्रस्ताव आए लेकिन फिर भी वो झुके नहीं। तो आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करती हूँ। और इसके साथ मैं साधुवाद प्रकट करती हूँ प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर का, जिन्होंने इतना अच्छा स्वागत उद्बोध्य और इंट्रोडक्टरी स्पीच दी। और मैं इसके साथ आभार प्रकट करती हूँ हमारे कुल सचिव रजिस्ट्रार श्री अजय वर्मा सर का, हमारे डीन प्रोफेसर डी के वर्मा सर, और प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर भी डीन हैं। उसके बाद प्रोफेसर देवनाथ देवदास, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, और इस कार्यक्रम में जितने भी एचओडी, फैकल्टीज, स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, और बेसिकली जो जो ऑडियंस है जो हमारे साथ ये यूट्यूब और फेसबुक लाइव से जुड़ रहे हैं, मैं उन्हीं का साधुवाद प्रकट करती हूँ। और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है हमारे साथ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक फीडबैक लिंक हमने चैट बॉक्स में पोस्ट किया है, तो सभी से निवेदन है कि जो भी इसको भरना चाहते हैं इस फीडबैक लिंक को भर दीजिए, तो हम कुछ ही एक दो दिन में आपको सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। और पुनः मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सभी को, कि आपने ये जो बेसिकली स्मृति, जो महाराणा प्रताप की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पे ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इस वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ महाराणा प्रताप पे फियरलेस राजपूत किंग या रिमेम्बरेंस ऑफ ग्रेट वेरियर, सही में हमने महाराणा प्रताप की जो रिमेम्बर, उनकी जो मेमोरीज है, वो सभी से आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों के जो अनुभव है, उनसे ये ग्रेट मेमोरेबल हो पाया है। और सही में हम ऐसे वीर योद्धा को याद करते हैं, तो मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।